तरती पे हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत पे हरियावले, जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए, हर सतगुर मिलो दया कर, जन नानक तोवे पाए। एक नूर है, एक प्रकाश है, जो हर इंसान के अंतर में है। एक शक्ति जो सृष्टि की हर जीवात्मा का आधार है। दुनिया में डूबे होने के कारण हम इस नूर से बेखबर रहते हैं, जब तक कि किसी सद्गुरु से हमारा मिलाप नहीं होता, अपने वक्त के सद्गुरु से। तब हमें उस नूर की एक झलक दिखाई देने लगती है और हम उस अद्भुत नूर की ओर खिंचे चले जाते हैं। ये डेरा बाबा जैमल सिंह है, ब्यास के संत सदगुरुओं का निवास स्थान, जिनकी मौजूदगी और दया मेहर ने बियाबान जंगल को एक चहल पहल वाली बस्ती में तब्दील कर दिया है। एक ऐसी बस्ती जिसकी बुनियाद प्रेम, प्यार, भक्ति भाव और निस्वार्थ सेवा पर टिकी है। हर साल लाखों की तादाद में लोग डेरे आते हैं। यहां ऐसा क्या है जो उन्हें इधर खींच कर लाता है? ऐसा क्या है जो दुनिया के काम धंधों में उलझे होने के बावजूद भी लोगों को बरसों से इस रूहानी धरती पर आने के लिए मजबूर करता है? यहां आने वाले हर शख्स की अपनी अलग ही दास्तान है। ये प्रेम की ऐसी पहेली है जिसका अनुभव किसी पूर्ण संत सतगुरु की रहनुमाई पाकर ही होता है। मैं कई सालों बाद डेरा वापस जा रही थी। मैं अपनी ही दुनिया में इस कदर मशगूल थी कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि कितना वक्त गुजर चुका है। फिर हाल ही में मुझे अपने अंदर एक सूनापन महसूस होने लगा, एक ऐसा एहसास जिसे मैं बयान नहीं कर सकती थी। मेरे पास वो सब कुछ है जो एक इंसान चाहता है, एक प्यारा सा परिवार, अच्छी नौकरी, आरामदायक घर, लेकिन मेरे अंदर जिंदगी के असली मायने खोजने की तड़प पैदा हो रही थी। और अब मुझे अपने सद्गुरु की कमी महसूस हो रही थी, हुजूर की कमी, पहले से भी कहीं ज्यादा। मुझे महसूस होने लगा कि अब वक्त आ गया है, डेरे वापस जाकर अपने असल से जुड़ने का वक्त आ गया है। ब्यास स्टेशन, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं वाकई यहां पहुंच गई हूं। ये स्टेशन जिस तरह मुझे याद था
उससे बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरी, डेरे के सेवादारों ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया। ये सेवादार सतगुरु की सेवा में लगे हुए हैं, वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार थे। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि यहां कुछ तो ऐसा है जो नहीं बदला। सेवादारों ने मुझे डेरे से आई एक बस में बैठा दिया। ये बसें कुछ कुछ मिनटों बाद लगातार आ रही हैं। ये बस हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से और विदेश के आए लोगों से भरी थी। माहौल में एक उत्सुकता छाई हुई थी। हर कोई यहाँ एक ही मकसद से आ रहा था, ताकि वो अपने प्यारे सतगुरु की मौजूदगी में कुछ वक्त बिता सके। बस के इस छोटे से सफर के दौरान मेरे बचपन की याद ताज़ा हो उठी, जब मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ आया करती थी। तब डेरे का ये 5 किलोमीटर का सफर हम टांगे में बैठकर तय करते थे। अमरपुर ले चल हो सजना, अमरपुर ले चल हो सजना, अमरपुर की संकरी गलियां अड़बड़ है चलना, संत समाज सभा जहां बैठी वही पुरुष अपना, अमरपुर ले चल हो सजना। जैसे हम डेरे के गेट के अंदर पहुंचे, मेरी मुलाकात अपने भाई से हुई जो डेरे में रहकर सेवा कर रहा है। कुछ वक्त आराम करने के बाद वो हम में से कुछ लोगों को डेरा दिखाने ले गया। डेरे का नाम बाबा जैमल सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने डेरे की नींव रखी थी। वे ब्यास के पहले संत सदगुरु थे। अफसोस कि उनकी कोई फोटो नहीं है। सन 1891 में वो ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। यहां वे अपने सदगुरु स्वामी जी महाराज द्वारा सौंपे गए कार्य के लिए आए थे। स्वामी जी महाराज ने उन्हें पंजाब में संत मत की शिक्षा का प्रचार करने का हुक्म दिया था। उन दिनों ये इलाका वीरान और बंजर हुआ करता था। असल में कई लोगों का तो यह भी मानना था कि यहां भूत प्रेत रहते हैं, पर बाबा जैमल सिंह जी को यहां का शांत माहौल बहुत पसंद आया। बाबा जी महाराज ने एक छोटी सी गुफा में अपने रहने की जगह बनाई, जहां आप कई कई दिनों तक भजन में बैठे रहते थे। आखिर इस जगह को डेरा कहा जाने लगा, जिसका मतलब है रहने की जगह। बाबा जैमल सिंह जी के शिष्यों ने उन्हें मनाने की कोशिश की कि किसी बेहतर जगह की तलाश की जाए, लेकिन उन्होंने कहा, देखना, यही जगह एक दिन रूहानियत का बहुत बड़ा केंद्र बन जाएगी। आज 120 सालों के बाद आपके कहे हुए वचनों का सच हमारे सामने है। डेरे की खूबसूरती हमेशा मेरे मन में बसी रही, पर मैं ये भूल गई थी कि यहां आकर कितना आनंद मिलता है।
ये एक ऐसी दुनिया है जो मेरी दुनियावी जिंदगी से बिल्कुल अलग है। यहाँ की शांति और सुकून ने मेरे मन को छू लिया। मैं अपने आसपास के लोगों को निजी तौर पर तो नहीं जानती थी, पर ऐसा लगा कि हर एक के साथ मेरा कोई नाता है, जैसे कि मैं अपने ही परिवार के बीच हूं। ऐसा लगता था कि कई सालों की जुदाई के बाद मैं दोबारा घर लौट आई हूं। मुझे एहसास हुआ कि इस जुदाई ने मेरे मन में कितना सूनापन पैदा कर दिया था। इस एहसास ने मुझे प्रेरणा दी कि जो थोड़े से अनमोल दिन मुझे यहां बिताने को मिले हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाऊं। हर रोज सुबह 3 बजे पूरे डेरे में सायरन बजता है ताकि सत्संगी उठकर भजन सिमरन पर बैठ सकें और मालिक की भक्ति से अपने दिन की शुरुआत कर सकें। भजन सिमरन, सत्संग और निष्काम सेवा शुरू से ही डेरे की जिंदगी का आधार रहे हैं। डेरे में खास तौर पर 2 चीजों की झलक दिखाई देती है, संतों का उपदेश और परमार्थ के खोजियों की लगन और कोशिश। ब्यास के सदगुरु हुजूर महाराज चरण सिंह जी अक्सर कहा करते थे कि आज डेरा बाबा जैमल सिंह का जो इतना विकास हुआ है, वो यहां के संतों द्वारा बोए गए प्रेम के बीज का ही फल है। If you see a seed of a banyan tree, it takes a time to grow to become a banyan tree. And 1,000 people then sit under the shade to enjoy their spirituality. Swamiji has come and he had sown that seed. And it is just growing and growing and growing. And we are enjoying the shade, that's all. डेरे का इतिहास उन महान संतों की जीवन गाथा है जिन्होंने अपना सारा जीवन उन सच्चे जिज्ञासुओं की रहनुमाई में अर्पण कर दिया जो परमार्थ की राह पर चलना चाहते थे। सभी संत यही सिखाते हैं कि परमात्मा से मिलाप हासिल करना ही जिंदगी का असली मकसद है और इसके लिए हमें एक रहबर की जरूरत पड़ती है, अपने वक्त के ऐसे सदगुरु की जो खुद उस सच की पहचान कर चुका हो। इस मकसद को पूरा करने के लिए सदगुरु भजन सिमरन का एक ऐसा आसान सा तरीका सिखाते हैं जिसके जरिए हम अपनी सुरत को उस शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। यह शब्द शरीर के अंदर ही मौजूद है। क्राइस्ट ने क्या सी, इफ दाई आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइफ। अगर तुसी एक अख वाले बन जाओ, थोड़ा सारा जिस्म नूर और प्रकाश के नाल भर जाएगा। तो असी अपने अंदरों उस शब्द या नाम की आवाज न सुनना है, उस शब्द और नाम के प्रकाश में देखना है। आवाज के जरिए अंदरों घर का रुख कायम करना है, प्रकाश के जरिए रूहानी सफलता करना है, मंजिल दर मंजिल अपने घर चले जाना है। अगर साड़ी आत्मा अखा पिछे आके उस शब्द का चोगा चुगना शुरू कर देवे, उस अमृत को अपने अंदरों पीना शुरू कर देवे, ये हमेशा वास्ते दे दिया बंधना तो आजाद हो जाएगी। डेरे के विकास के बारे में चर्चा करना तो आसान है, लेकिन जिन सदगुरुओं ने इसे वर्तमान रूप दिया है, उनकी महिमा लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं है। वही डेरे की रूह हैं और उनके बिना यहां कोई भी चीज मायने नहीं रखती। सन 1903 में बाबा जैमल सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए। उन्होंने महाराज सावन सिंह जी को अपना जानशीन मुकर्रर किया, जो भारतीय फौज में इंजीनियर थे। बाबा जैमल सिंह जी ने एक बार फरमाया था, मेरी जगह आने वाला मेरे से कहीं ज्यादा ताकत लेकर आएगा। मैंने तो अपने आप को दुनिया से छिपा कर रखा, लेकिन उसकी महिमा सारी दुनिया में फैलेगी। उन्नीस
उसकी ताकत और रूहानी आन बान मेरे से कहीं ज्यादा होगी। वो लाखों जीवों का उद्धार करेगा और गांव गांव शहर शहर में राधा स्वामी नाम गूंज उठेगा। जब महाराज सावन सिंह जी ने गुरु गद्दी संभाली तो उन दिनों डेरे में कुछ गिनी चुनी इमारतें ही थीं। एक कुआं था, सदगुरु के लिए एक छोटा सा कमरा, दो सत्संग हॉल और डेरे आने वाले संगत की रिहाइश के लिए एक छोटी सी इमारत थी जिसे बाबा जी की कोठरियां कहा जाता था। ये सादी सी इमारतें ही आज के डेरे की बुनियाद हैं। उस वक्त आसपास सिर्फ बियाबान बंजर जमीन थी। महाराज चरण सिंह जी ने उन शुरू के दिनों का हाल बयान किया कि कैसे बाबा जैमल सिंह जी के वक्त ये छोटे छोटे विकास कार्य हुए। You may have read somewhere when महाराज जी came here for the first time because he was in the service in military services and he said there used to be no charpai and no bed at all, so they had straw mats. So he would just, they would just pull straw mat and under some tree they would just sleep in summer months. And then there used to be no water here because there was no well. And in the morning he saw Bibi, who was in the service of Babaji Maharaj, bringing water for Babaji from somewhere. See. With the pitcher on her head. So Maharaji was absolutely new to the place. He didn't know anything about this place at all. Then he asked Bibi, from where do you bring it? She said, I bring from this village. And village is little quite far, you see this. Now our colony is spread so much, so it looks very near. But then when the all jungle and bushes, so it used to be practically to feel quite at a distance. Maharaji said, I very hesitatingly, lot of thinking, then I requested Babaji Maharaj, if you permit me, I would like to dig a well here so that Bibi doesn't have to go all the way to the village for the water. And so many people come, they'll make use of it. Babaji said, today I am here, tomorrow I may be somewhere else. And I don't want to bind myself to this particular place. So why dig a well? I have a straw hut and I can build anywhere if I go anywhere else. Then Maharaji said, I don't want to bind you at all to this place. Once you drink the water of that well and you can leave this place whenever you want. I don't want to bind you to the place. Then Maharaji said, Babaji just smiled. He said, all right, I won't bind myself to this place, but you'll be bound to this place. But anyway, well was dug. But he says, I never realized that it has a very deep rooted meaning behind what Babaji is saying. Then after him, you see, then he realized what all it means. So slowly and slowly this whole colony is springing up, you see. And now you can see what has come, how the flower blooms. महाराज सावन सिंह जी, जिन्हें हम प्यार से बड़े महाराज जी कहते हैं, उन्होंने गांव गांव शहर शहर जाकर संतों का संदेश पहुंचाया। उनके सरल और प्रेरणा भरे सत्संग और उनकी प्यारी और मनमोहक शख्सियत के कारण संतमत की जड़ें भारत और विदेश में फैलती गईं। इसका नतीजा ये हुआ कि आपके सत्संग सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग
डेरे आने लगे। जैसे जैसे संगत बढ़ती गई, सुविधाएं भी बढ़ने लगी और नई इमारतें बनाई गईं। बड़े महाराज जी को डेरे का पहला आर्किटेक्ट कहा जाता है। उन्होंने यहां की ज्यादातर इमारतों के नक्शे भी खुद बनाए और इनके निर्माण की निगरानी भी खुद की। आप खुद घंटों तक खड़े रहते, इंजीनियरों और मिस्त्रियों को समझाते और छोटी से छोटी बात पर खुद ध्यान देते। सत्संग घर उनकी इंजीनियरिंग की काबिलियत की एक जीती जागती मिसाल है। मैं जब भी इस इमारत को देखती हूं तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि सिर्फ 3 साल में बनकर तैयार हो गई थी। मैंने किताबों में पढ़ा था कि एक मशहूर ठेकेदार जो बड़े महाराज जी का प्रेमी था, उसने पूरा सत्संग घर मुफ्त में बनवा देने की अर्ज की, पर बड़े महाराज जी ने प्यार से उसे मना कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि सत्संग घर के निर्माण में उनके हर सेवादार को मौका मिले। उनके लिए सेवादारों की छोटी से छोटी कोशिश बेशकीमती थी, और कोई शक नहीं कि सत्संग घर बना भी इसी तरह। यही सिलसिला आज भी जारी है। सदगुरु और उनकी संगत के निष्काम सेवा भाव से ही एक एक ईंट को जोड़कर इस कॉलोनी को बनाया गया है। सेवा के रूप में बहती हुई ये प्रेम की धारा ही इस कॉलोनी का आधार है। हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने बड़े महाराज जी के साथ बिताए कुछ ऐसे पलों के बारे में बताया जो कभी नहीं भुलाए जा सकते। द फाउंडेशन ऑफ द सत्संग घर वॉज लेट इन 1934। इट वॉज द ग्रेट मास्टर हु टुक ऑन हिज हेड द फर्स्ट मिट्टी की टोकरी एंड इट वॉज एन ओकेजन। आफ्टर दैट वी यूज टू गो एवरी डे फॉर सेवा टू द सत्संग घर। After satsang, the great master would come every day to supervise the work. We were very, very eager that he see us doing seva. And when he was not there, the sevadar, because we were little children, he would give us just one brick. But when we saw the master coming, we would request him, please give me 2 bricks, so that at least he sees me doing good seva. And it so happened, on one day, he passed by and he saw me and he said, Kako, tu bhi seva kar rahi? Oh, my day was made. And after that, you know what it means. I would go, I would request him to give me that, and we did seva every day till the satsang ghar was complete. बड़े महाराज जी सेवादारों की लगन देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सेवादारों से कहा, मेरे पास अपनी खुशी जाहिर करने के लिए और शुक्रिया अदा करने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। मैं तो कमजोरियों और कमियों से भरा हूं। सत्संग और आने वाली संगत में जो बढ़ोतरी हुई है, इसके पीछे मेरी ताकत या लियाकत नहीं है। ये सब परम संत बाबा जैमल सिंह जी की बदौलत है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी भजन में गुजारी। जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं के प्रताप से है, ये उन्हीं की कमाई की बरकत है। सब कुछ बाबा जी महाराज आप कर रहे हैं, मैं तो उनका दास हूं और शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बतौर सेवादार मुझे साध संगत की सेवा बख्शी है। बड़े महाराज जी के हलीमी भरे लफ्जों से उनके विनम्र स्वभाव की झलक मिलती है। उनके शिष्य डॉक्टर जूलियन जॉनसन ने उनकी शख्सियत इन लफ्जों में बयान करने की कोशिश की है। काश मैं सचमुच उनकी शख्सियत बयान कर पाता, पर क्या आपने कभी ढलते सूरज की खूबसूरती बयान करने की कोशिश की है?
कोई शहंशाह भी इतना दिलकश और गौरवशाली नहीं हो सकता। लेकिन उनकी गरिमा में इतनी विनम्रता है कि हर कोई उनकी ओर खिंचा चला जाता है। उनकी आवाज चांदी की घंटियों जैसी मंद और साफ है। उनकी मुस्कान से रहमत बरसती है और यह साफ दिखाई देता है कि उनके दिल में सबके लिए प्यार और दया है। उनके सिर्फ दर्शन किए जा सकते हैं, वर्णन नहीं। जब से मैंने उनके दर्शन किए हैं, मुझे कुछ और सूझता ही नहीं। उनका स्वरूप हर वक्त मेरे सामने रहता है। मैंने पहले ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा था और ना ही कभी कल्पना की थी कि मनुष्यों के बीच ऐसा चेहरा हो भी सकता है। अगर कोई चेहरा बुढ़ापे में भी इतना खूबसूरत, तेजस्वी और शालीन हो सकता है तो वो सिर्फ महाराज जी का चेहरा है। पर सबसे खास बात यह है कि उनके चेहरे पर ऐसा रूहानी नूर है जिसे लफ्ज बयान नहीं कर सकते, लेकिन इससे ऐसा अनोखा सुकून मिलता है जैसे कि उनकी हुजूरी में दुनिया की कोई परेशानी और बेचैनी ठहर ही नहीं पाती। जैसे ही आप उनके चेहरे के दर्शन करते हैं, आपको बात करने की कोई इच्छा नहीं रहती, यहां तक कि सवाल पूछने की भी नहीं। दिल चाहता है कि बस उस नूर में समा जाएं। उनकी आवाज में प्रेम की झनकार है और उनकी मुस्कान से ऐसा लगता है मानो सारा वातावरण जगमगा उठा हो। Now I must tell you my first impression, because I didn't know much about Sant Mat. My first impression when he came off the out of this car, he was shining, he was radiant. And funnily enough, what I thought was, oh my God. And then he walked very stately up the stairs and everybody bowed to him. I was feeling a little hesitant and then he looked at me. And although he was tired, he straight away asked Bibi Lajo to bring us in and he talked to us. The next morning I heard my first satsang. I had many doubts and I'd written them all down. And the master did ask me that if there was anything I'd like to ask, and I couldn't think of anything. But at the satsang, he answered all my questions. All my doubts were cleared. Oh, his satsangs were very long and he told beautiful stories, which we all enjoyed, and he laughed. His laugh was beautiful. He used to shake with laughter and tell our stories. And we used to sit quite close to the stage. I have something to say about the great master, that he wrote beautiful letters to me. And in his last letter, which was in 47, a year before, a few months before, he wrote that main tumhari sambhal kar raha hoon aur karunga. I am looking after you and I will continue looking after you. And Babaji has fulfilled that. He's looking after me in my old age. And I'm very grateful to him for everything that I'm getting. बड़े महाराज जी अपनी दया मेहर के लिए मशहूर थे। जब भी कोई उनके सामने अपने गुनाह कबूल कर लेता तो वे उसे बख्श देते थे, फिर प्यार से ये नसीहत देते कि प्रेम और भरोसे से भजन सिमरन करते रहो और आगे से इन गलतियों को दोहराना मत। आप अपने सत्संगियों की कमजोरियां अच्छी तरह से जानते थे लेकिन कभी उनका जिक्र नहीं करते थे। आप कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। आप फरमाया करते थे, संत महात्मा कभी भी हमारी कमजोरियों की तरफ ध्यान नहीं देते, अगर वे ऐसा करने लगें तो उनके पास कौन आएगा। सभी महान संतों की तरह आप सिर्फ उनकी आत्मा को देखते थे। आप कहा करते थे, हर आत्मा निर्मल है, अगर किसी में हमें कोई गुण नजर नहीं आता
तो ये हमारी आंखों और दिल का कसूर है, वरना मालिक हर घट में मौजूद है। बड़े महाराज जी के सत्संग अक्सर बहुत लंबे होते थे, कभी कभी 2 घंटे या इससे भी ज्यादा देर तक चलते। आप दिन में 2 बार सुबह और शाम सत्संग किया करते थे। लोग बीच ही में सवाल पूछ लेते थे और आप उनका जवाब देते। कई बार तो सत्संग सवाल जवाब का रूप ले लेता था। कभी कभी कोई सत्संगी किसी धार्मिक किताब से कोई वाणी पढ़ देता था और बड़े महाराज जी संगत को उसकी व्याख्या करके समझा देते थे। और कभी कोई महाराज जी के बारे में कविता सुनाता और महाराज जी उसे बड़े प्यार से सुनते। बड़े महाराज जी के रोजाना के कार्यक्रम में कुछ काम ऐसे होते थे जो उनका अधिकतर समय ले लेते थे, जैसे कि सत्संग करना, डेरे के विकास और सेवा के कामकाज की निगरानी करना और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव मसलों पर ध्यान देना। आपके अंदर अद्भुत मनोबल था और काम करने की गजब की क्षमता थी। आप अपने आराम, सहूलत और सेहत की परवाह न करते। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में आप किसी भी तरह की जिस्मानी तकलीफ नजरअंदाज कर देते। कोई भी ताकत आपको मालिक की सेवा करने से रोक नहीं सकती थी। बड़े महाराज जी के वक्त तेजी से बढ़ रही संगत की सहूलत के लिए और भी जमीन जायदाद ले ली गई। बेशक बड़े महाराज जी डेरे की सारी जायदाद के कानूनी तौर पर वारिस थे, पर उन्होंने कभी भी डेरे की किसी चीज को अपने या अपने परिवार के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आपने इसे हमेशा संगत की अमानत समझा और अपनी संगत के फायदे के लिए इसके विकास की पूरी कोशिश की। बड़े महाराज जी की जिंदगी सादगी की एक मिसाल थी। उनकी खुराक बहुत कम थी और वे बहुत कम सोते थे। सत्संगियों को उनकी सेहत के बारे में हमेशा फिक्र लगा रहता था, पर वे उन्हें भरोसा देते हुए फरमाते, फिक्र ना करो, नाम का अमृत शरीर को कमजोर नहीं होने देगा। जो नाम सारी कायनात को संभाले हुए है, उसके लिए एक शरीर को संभाले रखना क्या मुश्किल है। पर यह तभी मुमकिन है जब हम उस नाम से पूरी तरह जुड़े हों। सतगुर है रंगरीज चुनर मेरी रंगदारी, सतगुर है रंगरीज चुनर मेरी रंगदारी, स्याही रंग छड़ाए के रे दे छूटे नहीं रे
सतगुरु है रंग रे पाव के कुंड नह के जल में प्रेम रंग दैबोर चस सतगुरु हे रंग रीज चुनर मेरी रंग डारी सतगुरु ने चुनरी रंगी रे सत गुरु चतुर सुजान सब कुछ उन पर वार दूरे तन मन तन और प्राण सतगुरु रंग रीज चुनर मेरी रंग डारी कह कबीर रंग रेज गुरु रे मुझ पर हो एक बार हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए बड़े महाराज जी की लंबी मानो कभी न रोकने वाली दिनचर्या के बारे में बताया। All what I talk, what I hear is nothing but the great master. Every particle of this place smells of him. He gives us that fragrance of his love and devotion, what he has done in this colony. He was much more busy than I am, I must tell you. In the morning he would go out, see all the fields, work going on, and with every department he would be in touch. And then he would sit in the office, he would attend to his whole mail in the night in the office. Professor Bhatnagar's father was there in charge of the office correspondence. Then people would be coming and whole day it would be interviewed till 1:30, 2. We really would go and remind him so many times for lunch because we won't be served meals unless he served. Then in the evening he used to hold Satsang. And sometime in the morning he would go and sit in the Seva. And then so much Dera was developing, you see, in a very developing stage.
and so many meetings with engineers, and the meetings will go on till 12 at night, 1 at night. So it went on. I mean, he was a very busy person. A very busy person. And he had very long tours also, but he won't fix any time. He would say, all right, I'll come on a tour for 10 days. And then if one place he's holding Satsang, those people are anxious for him to extend his stay, he would stay another one day, 2 days. And then he will go to another city. So it was a tour for 10 days, 20 days, 30 days. But no particular timing was fixed, you see, beforehand. He traveled a lot. So he was mostly traveling to Lahore and Mint Mumri, Multan side, Karachi side, and then Rawalpindi, Peshawar side, Ahmedabad side. That was his main field of Satsang. And then he devoted also a lot of time to Sarsa, his swap. And he would go for 2 months, 1 month, he would stay there and look after the children and the form and their progress and everything. He would give full attention to the form and everything. He was very busy. I don't think one can work, anybody can work harder than him. His one leg was little short of the other leg, but he had no problem in walking because we could never keep pace with him. Never. I know he used to go to the hills, and I had sometimes the opportunity to follow him with his stick or umbrella. But we could never keep pace with him. He was so walking so fast, and it was very difficult for anybody to keep pace with him. He was so fast. Even at that age, you see, when he was 87, 88, 90. Actually, great master has labored a lot to spread Sangha's teaching. You just visit those centers which he has created for the spreading of the teaching, you will simply be amazed how can he reach to these places. I go to this Himachal Pradesh, now it is known. Very rough roads, now they are roads. At that time there were no roads. Sometimes he will be on a pony, sometimes he will be walking. With his staff, you see, at his back, luggage on their head. And no place to stay, no rest houses, no sanitary convenience, you see. And just a nightfall, this small hut comes, and probably the man is staying up, and the shop is down, and that will be vacated for him. Maharaji never, you see, said a single word that he's uncomfortable. And this is how he has spread his teachings. Nobody can reach those places. You see, now, after 2 years or 3 years, I am just in my comfortable car, I can hardly reach there. After 2-3 years, I get a chance to visit such places. The centers which he has made, beautiful centers. Yeah.
And they are all simple people, full with love and devotion. And that is all the seed which he has sown. Slowly and slowly, Maharaji just penetrated into their heart. And now whole hills, you see, are singing his praises. That is the seed you see which has sown, which is springing up now. बड़े महाराज जी के दौरे बड़े कठिन हुआ करते थे और मौसम या तो बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ठंडा हुआ करता था। एक बार उन्होंने डेढ़ दिन में कार से 350 किलोमीटर से भी ज्यादा सफर किया, 6 अलग अलग शहरों में गए और 3 सत्संग फरमाए, और इनमें से एक सत्संग तो 2 घंटे का था जो कि सत्संग प्रोग्राम में शामिल नहीं था। इसके अलावा आप एक शादी में भी शरीक हुए। जब बड़े महाराज जी ने कार के ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया जो दूसरे स्टॉप से उनके साथ था, तो उसने कहा, बाबा हम लोग को फिर से याद करना। हम 30 साल का जवान आदमी नींद और थकान से बेहाल हो गया, मगर आप ना तो सोए ना खाया पिया। आपके चेहरे पर कोई थकान नहीं है, आप आम इंसान नहीं हैं। उस वक़्त बड़े महाराज जी की उम्र 80 साल से ज़्यादा थी। डॉक्टर जूलियन जॉनसन ने बड़े महाराज जी के दौरों और उनके कामकाज के बारे में कुछ इस तरह लिखा है, सद्गुरु की सेहत पर लंबे समय तक काम करते रहने और लगातार सख्त मेहनत करने का असर दिखाई दे रहा है। ना उन्हें दिन में आराम मिलता है ना रात को। हमने उनसे विनती की कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा देखेंगे। जब हमने हुजूर से कहा कि आज से 1000 साल बाद भी यहाँ काफ़ी काम बाकी होगा, तो वे हंस पड़े और बोले, हाँ बेशक। एक बार जब बड़े महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं थी, सत्संगियों ने विनती की कि वे घर पर ही आराम करें और सत्संग के लिए ना जाएं। इस पर हुजूर ने फरमाया, इस शरीर से जितनी ज़्यादा सेवा ले ली जाए उतना ही अच्छा है। आखिरकार एक ना एक दिन ये आग के हवाले कर दिया जाएगा। सत्संग फरमाते वक्त हुजूर के चेहरे पे ऐसा नूर था और आवाज़ में इतना जोश था कि किसी को शक भी नहीं हुआ कि हुजूर की तबीयत ठीक नहीं है। शिष्य का माना सत गुरु गुर झिड़के लख बार सह जो द्वार ना छोड़िए यही धार ना धार गुरु दर्शन
कर सहज आ। गुर का कीजे ध्यान, गुर की सेवा कीजिए, तजिए कुल अभिमान। गुर सो कछु ना दुराये, गुर सो झूठ ना बोले, बुरी भली खोटी खरी गुर आगे सब खोले। सहजो गुर रक्षा करें, मिटे सब दुख दुंद, मन की जाने सब गुर, कहाँ छिपावे अंध। सहजो गुर कृपा करी, कहा कहूँ मैं खोले, रोम रोम फुलत भई, मुखे नया वे बोले। बड़े महाराज जी के चोला छोड़ने से 2 हफ्ते पहले उन्होंने सरदार बहादुर जगत सिंह जी को बुलाया और उनसे कहा कि वे उनके बाद गद्दी नशीन होंगे। सरदार बहादुर जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से अपने प्यारे सदगुरु से कहा, यह शहनशाह की गद्दी शहनशाह को ही शोभा देती है। हुजूर हमेशा सलामत रहें, मैं तो सिर्फ आपका एक दास हूं। बड़े महाराज जी ने उन्हें बड़े प्यार भरी नजरों से देखा और फरमाया कि यह हुक्म ऊपर से आया है। सरदार बहादुर जी की आंखों में आंसू भर आए, उन्होंने उनके सामने सिर झुका दिया। दो अप्रैल सन 1948 को 45 साल तक संगत की सेवा करने के बाद बड़े महाराज जी 90 साल की उम्र में ज्योति ज्योत समा गए। सरदार बहादुर जी में छोटी उम्र से ही सच्चाई, नम्रता और निर्मलता के गुण मौजूद थे, इसीलिए कॉलेज में भी उनके दोस्त उन्हें गुरुजी कहकर बुलाया करते थे। सरदार बहादुर जी ने एग्रीकल्चरल कॉलेज में करीब 20 साल तक नौकरी की और वाइस प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुए। इस दौरान उनकी भरपूर सराहना की गई जो रिकॉर्ड में मौजूद है। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने लिखा, उनकी जितनी भी सिफ्त की जाए कम है। कॉलेज का ये बुजुर्ग महापुरुष अपने विद्यार्थियों और अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों में बहुत लोकप्रिय है। एक शिष्य के रूप में सरदार बहादुर जगत सिंह जी बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ अपना भजन सिमरन और सेवा करते थे। सत्संगी की रहनी किस तरह की होनी चाहिए, सरदार बहादुर जी खुद इसकी जीती जागती मिसाल थे।
जब कभी आप बड़े महाराज जी के साथ होते तो आप चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाते और अपने सदगुरु के दर्शनों में लीन हो जाते। आपने कभी कोई सवाल नहीं पूछा और ना ही कभी खुद अपनी तरफ से उनसे बातचीत करने की कोशिश की। जब सरदार बहादुर जी गुरुगद्दी पर विराजमान हुए तो उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ा। बड़े महाराज जी के चोला छोड़ देने के बाद संगत अपार दुख में डूबी हुई थी। कई सत्संगी डेरे आने का हौसला ही नहीं कर पा रहे थे, कईयों ने तो डेरे से नाता ही तोड़ दिया और कईयों के दिलों में भ्रम और शंकाएं उठने लगी। इसके बारे में महाराज चरण सिंह जी ने अपना अनुभव सुनाया। I remember when he became master, let me tell you, see, it's very difficult for the satsangis to come to the era after the death of the master, because we are so attached to the great master, and this whole place had so much association with the great master. Each and every building, every place, I mean, where we used to play with him, like here as a son and all that. So to come to the colony without him is something very hard for any disciple, you see. So naturally, I was also feeling very depressed after the death of the great master. And I didn't come to Beas for about 6-7 months. And Sar Bahadur went to Satsang. And he asked me that we didn't come to Beas. I couldn't say him anything. Not that we didn't respect him, I loved him. And I had tears in my eyes. I said, I can't stand that place of the great master. He says, you are fortunate, you can afford not to come, but I can't escape from that place. I even can't bear it without him, that place, but I can't even leave that place. So next day I came along with him there. कुछ ही समय में सरदार बहादुर जी के दया भाव, सेवा की लगन और उनके प्रेरणा भरे सत्संगों की बदौलत संगत फिर से डेरे आने लगी। Once when I was here at the Dera, Sardar Bahadur ji was sitting in his office. In those days, there was a long veranda near the great master's house. And I was standing, not visible to him physically, somewhere near the Nature Co buildings. And I'm feeling very sorry for myself, lonesome. I was not mature enough to accept anyone in his place. And he called me Vilajo and he said, go there, you'll find Kama standing there. And you go and ask how she is, otherwise she'll feel that the great master is not here, no one's looking after her. Which was, you know, like a shock, because that was what I was thinking. तीन साल तक गुरुगद्दी संभालने के दौरान हालांकि सरदार बहादुर जी की सेहत ठीक नहीं रहती थी, इसके बावजूद वे सख्त मेहनत से कुल मालिक की सेवा करते रहे। 23 अक्टूबर 1951 को 67 साल की उम्र में सरदार बहादुर जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। अपनी वसीयत में उन्होंने महाराज चरण सिंह जी को अपना गद्दी नशीन बनाया। उस वक्त उनकी उम्र 35 साल की थी। महाराज चरण सिंह जी ने बड़ी नम्रता से ब्यास के सदगुरुओं की परंपरा में अगले सदगुरु की जिम्मेदारी संभाली। आज मेरे सतगुर आए, रहस रहस मैं अंगना बहारूं। दस्तारबंदी के वक्त आपने संगत से विनती की, मुझे अपना छोटा भाई समझें, संगत की सेवा करने में मेरी मदद करें। पांच सखी मेल मंगल गावे। उन्होंने फरमाया, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता
कि इतने महान संतों की पगड़ी अपने सिर पर रख सकूं, लेकिन हुजूर महाराज जी के प्रति संगत के भरोसे और प्रेम से मजबूर होकर मैंने अपने आप को संगत के आगे समर्पित कर दिया है। परम पुरुष बार पाऊं एक वकील होने के नाते अपने अनुभव के आधार पर महाराज चरण सिंह ने सबसे बड़ी तब्दीली ये की कि डेरे को एक चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी के रूप में रजिस्टर करवा दिया। उसके बाद डेरे की सारी धन संपत्ति इस ट्रस्ट ने संभाल ली। महाराज चरण सिंह जी ने, जिन्हें बाद में संगत हुजूर महाराज जी कहने लगी, रूहानियत की ज्योत को पूरी तरह से उजागर रखा। आप दिन ब दिन, साल दर साल लगातार अपनी सुख सहूलत की परवाह किए बगैर निस्वार्थ भाव से प्रेम और मुक्ति प्राप्त करने का संदेश देते रहे। नतीजा ये हुआ कि उनके लंबे दौरे, ज्ञान से भरे सत्संग और उनकी दिलकश शख्सियत से संत मत का उपदेश भारत के कोने कोने में और संसार भर में जगह जगह फैल गया। पाग बड़े जो संत पधारे, संत पधारे, संत पधारे, संत पधारे, संत पधारे। पाग बड़े जो संत पधारे, कर सिमरन पव सागर तारे, कर सिमरन पव सागर तारे, संत पधारे। पाग बड़े जो संत पधारे, एहे संत है पर उपकारी, शरण आए उबानी, शरण आए वाकुलेत उबानी, संत पधारे, संत पधारे, संत पधारे। पाग बड़े जो संत पधारे, कह कबीर संत भले पधारे, जन्म जन्म के कारज सारे, जन्म जन्म के कारज सारे, संत पधारे। पाग बड़े जो संत पधारे, पाग बड़े जो संत पधारे। हुजूर महाराज जी की देखरेख में अगले 40 सालों तक डेरे का बड़ी तेजी से विकास हुआ। डेरा अब पहले से 4 गुना ज्यादा बढ़ चुका था। बढ़ती हुई संगत की सहूलियत के लिए साधारण शेड से लेकर हॉस्टल, रिहायशी मकान, शौचालय और गुसलखाने बनाए गए। सड़कें, ड्रेनेज, बिजली और टेलीफोन का इंतजाम किया गया और ये सारी चीजें भविष्य के विकास का आधार बनी। Thank you.
सत्संग पंडाल पहुंचकर मैंने देखा कि शामियानों की जगह अब स्टील का शेड बन चुका था। हमें बताया गया कि जब संगत कम होती है तब भी सत्संग यहीं पर होता है। मेरे मन में हुजूर महाराज जी की यादें ताजा हो गईं। सत्संग में उनकी हुजूरी में बैठने की खुशी, उनके कहे लफ्जों में खो जाना, उनका चेहरा, उनकी मुस्कान, सुकून भरी उनकी मौजूदगी, मेरे अंदर ये यादें फिर से ताजा हो गईं। I said, wherever you collect in my name, I'll be there. Master is always here at the eye center and every disciple. When you hold your attention here and do simran, you are with your master. Meditation is simple. We just attend to it every day. It's not in our hands how to adjust our karmas. It is in his hands. He knows best how to make us go through those karmas. You see, it's a lifelong struggle. We have not only to continue, but we have to continue for whole of our life in meditation. Master is never harsh to the disciple. Mother and father are never harsh to the child. They are always loving. There is love behind that punishment. Nobody can love the child more than father and mother. And those who couldn't come, they are as dear and near to me as all of you sitting here. And you can give them my regards and love. Everyone is very dear and near to me. If you read the Bible, in the last probably chapter, Christ says, it is expedient for me to leave you now. How can it be expedient for the disciple that his master should leave them, leave the body? He said, no. Now you are so much attracted by my physical presence that you are always surrounding me. When you won't find me outside, then you will try to search me within. You will convert all this emotion and love which you have for me to meditation. And I have given you the way, I have given you the truth, which will bring you back to my level within, to my spiritual body within. So this emotion which we have within ourselves, this helps us to grow to his level. To be him, to become him. And ultimately practice will lead us to the real master within, the radiant form of the master. And that is real love, where there is no separation. मैंने डेरे के प्रबंधक कमेटी के मेंबर सेठी साहब से पूछा कि हुजूर के चोला छोड़ने के वक्त डेरे में क्या हालात थे। क्या आपने कभी पानी से बाहर किसी मछली को तड़पते हुए देखा है? क्या आप उस प्रेमी के दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं जिसने अपने प्रीतम को खो दिया हो? अपने प्यारे सतगुरु के देश रूप के बिछोड़े के दर्द के सामने ये सब कुछ भी नहीं है। खास तौर पर ऐसे सतगुरु का बिछोड़ा जिसकी दृष्टि से हर समय दया ही दया बरसती रही हो और जिनकी एक झलक अनेक दर्शनों की प्यासी और तरस रही आंखों और हृदय की तड़प को शांत कर देती हो। मैं 1 जून 1990 का दिन कभी नहीं भूल सकता।
जब हुजूर महाराज जी ने चोला छोड़ा। काश किसी शिष्य को कभी अपने सदगुरु का बिछोड़ा ना सहना पड़े। चोला छोड़ने से दो दिन पहले हुजूर महाराज जी ने अपनी वसीयत बनवाई और बाबा गुरेंद्र सिंह जी को अपना जानशीन बनाया। जब आप गद्दी नशीन हुए तो आपकी उम्र 35 साल थी और आप कॉमर्स के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। दस्तारबंदी के मौके पर हमने मौजूदा सतगुरु के पहली बार दर्शन किए। वे हमें दिलासा दे रहे थे और सारे दुख का भार उन्होंने अपने कंधों पर उठा रखा था। एक ही पल में अपना सब कुछ खो देना और उसे वापस पा लेना, इस एहसास को कोई किस तरह बयान कर सकता है। नए सतगुरु ने संगत को नम्रता भरे लफ्जों में कहा कि मैं अपने आप को बख्शी गई सेवा के लायक नहीं समझता, मैं तो संगत के चरणों की धूल हूं। आपने बड़ी नम्रता से कहा कि हुजूर महाराज जी की दया के बगैर मैं कुछ भी कर सकने के काबिल नहीं। सौ साल से भी ज्यादा वक्त गुजर गया है। ब्यास के संतों ने डेरे में लगातार विकास का काम जारी रखा है। पिछले कई सालों में डेरा एक छोटी सी बस्ती से एक बड़ी कॉलोनी में तब्दील हो गया है। हम सभी तेज रफ्तार से भागती हुई जिंदगी के आदी हो चुके हैं, जबकि डेरे की दिनचर्या उससे बिल्कुल अलग है। यहां हमारा ध्यान भटकाने के लिए ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ना कोई हमें मैसेज भेज सकता है और ना ही दिन भर के कामों की कोई लिस्ट बनती है। सतगुरु और डेरा मुझे रोजमर्रा की जिंदगी के सपने से जगा रहे थे। मुझे ये एहसास होने लगा कि रूहानियत के रास्ते पर चलना ही मेरी जिंदगी का असली मकसद है। यहां हमारे दिन की शुरुआत जल्दी होती थी। सुबह 7 बजे सत्संग को जाती हुई संगत में मैं भी शामिल हो जाती थी। संगत के साथ पैदल चलते हुए मुझे यहां के लोगों की सादगी और उनके अटूट भरोसे की झलक दिखाई दी। मैंने एक बुजुर्ग को देखा जो संगत में धीरे धीरे चल रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या आप यहां अकेले आए हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? उनका चेहरा चमक उठा और मुस्कुराते हुए बोले, अकेला? मैं अकेला नहीं हूं, मालिक हर वक्त मेरे साथ है, वो मुझे रोज यहां लाता है। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। डेरे में हर रोज सत्संग होता है। कुछ साल पहले तक संगत भारी तादाद में भंडारे के मौके पर आया करती थी। ये भंडारे गुजरे हुए सदगुरुओं की याद में होते थे। अब इन भंडारों की जगह हर साल निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार 19 सत्संग होते हैं। रविवार के दिन सदगुरु खुद सत्संग फरमाते हैं।
इन सत्संगों में डेरे की आबादी एकदम बढ़कर 5 लाख तक पहुंच जाती है। जब दुनिया भर से लोग सदगुरु के दर्शन के लिए आते हैं तब सारे डेरे में चहल पहल हो जाती है। उस वक्त सभी सत्संग बड़े पंडाल में होते हैं। ये शेड 34 एकड़ में फैला हुआ है और यहां करीब 4 लाख लोग बैठ सकते हैं। इसकी छत हल्के स्टील के फ्रेम से बनाई गई है। ये शेड पूरे एशिया में सबसे बड़ा माना जाता है। जब सेवादार ने मुझे अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा तो मुझे याद आया कि कहीं मैंने पढ़ा था कि शुरू में नाम घर में ही सत्संग हुआ करता था। उस वक्त बाबा जयमल सिंह ने पहली कतार में बैठे हुए एक सत्संगी से कहा था, एक दिन संगत इतनी बढ़ जाएगी कि आपको आखिरी कतार नजर ही नहीं आएगी। और जैसी भविष्यवाणी उन्होंने की थी, आज ये विशाल पंडार कतार दर कतार बैठे प्यार भरे चेहरों से भरा होता है। जहां तक नजर जाती है उससे भी कहीं दूर तक संगत बैठी होती है। संगत की आखिरी कतार स्टेज से करीब 600 मीटर की दूरी पर होती है और वहां से सदगुरु एक छोटे से बिंदु के समान नजर आते हैं। फिर भी हर कोई शुक्र करता है कि उसे सदगुरु की हुजूरी में आने का मौका मिला है। सत्संग पंडाल में जगह जगह पर बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि संगत जहां कहीं भी बैठी हो उन्हें सदगुरु नजदीक और साफ नजर आ सके। निर्धारित सत्संगों के दौरान सत्संग से आधा घंटा पहले संगत में जागृति के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाती हैं। इन फिल्मों में कोई खास सामाजिक मुद्दा पेश किया जाता है, जैसे अंगदान, भ्रूण हत्या, नारी को अधिकार दो। इनका संदेश बड़ा साफ और स्पष्ट होता है कि मानवता के प्रति दया, प्रेम और सत्कार ही इंसानियत के मूल सिद्धांत हैं और एक ही परमात्मा के बच्चे होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का सहारा बने। नन्ही बेटी को जीवन का वर दो, जीवन का वर दो। सदगुरु कुछ ही देर में आने वाले थे। लाखों लोगों के दिलों में अपने प्यारे सदगुरु के दर्शनों की जो प्यास और बेकरारी थी, उस एहसास को कोई कैसे बयान कर सकता है। आखिर जब वो स्टेज पर आए तो वो पल मानो थम सा गया। बिना बोले ही सब कुछ कह सुन लिया जाता है, दिल से दिल जुड़ जाता है और लफ्जों की कोई जरूरत नहीं रहती। जब संगत सतगुरु के दर्शन करती है तो वे क्या देखते हैं? महाराज सावन सिंह जी ने एक बार कहा था,
सच्चा सद्गुरु परमात्मा का प्रेमी होता है। उसके अंदर सच्चे प्रेम की असीम तरंगें होती हैं। उसे प्रेम करने से हमें मालिक से प्रेम पैदा करने का सबसे बड़ा साधन मिल जाता है। दरअसल यही दर्शन है, बस वो ही होता है। जब तक दो हैं वो नहीं, जब एक होता है तो वो ही एक होता है। हुजूर महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि प्रेमी की प्रीतम को देखते रहने की बेबसी का नाम दर्शन है। उस पल प्रेमी के मन में ना कोई ख्याल होता है, ना कोई इच्छा और ना ही कुछ पाने की उम्मीद होती है। वो दर्शन में इस कदर लीन हो जाता है कि उसके दिल में मालिक से मिलने की तड़प जाग उठती है। आसपास बैठी संगत के भक्ति भाव और अनुशासन ने मेरे मन को छू लिया। संगत चुपचाप बैठी सतगुरु के वचनों को सुन रही थी। यहां तक कि विदेशी संगत भी इन सत्संगों का फायदा उठाती है। सभी हिंदी और पंजाबी सत्संगों का इंग्लिश, इंडोनेशियन, थाई, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, स्पेनिश, बल्गेरियन और चेक भाषाओं में साथ साथ अनुवाद होता है। Is that the only benefit of the true name? Tan pronto que nos asociemos con la compañía del maestro verdadero. Et dans les prochaines lignes, Guru Sahib nous dit. Sadhguru ne 1.5 hours तक बड़े आसान लफ्जों में संत मत के उसूलों के बारे में समझाया। उनका सत्संग बहुत भावपूर्ण था। उनका कहा हर लफ्ज हमें अपने असली मकसद की याद दिला रहा था। निर्धारित सत्संगों के दौरान हर शनिवार को सतगुरु संगत को सत्संग के बाद भी दर्शनों की दात बख्शते हैं। बेनती है बाबा जी कुछ मिनटों बाद दर्शनों में आएंगे। 1980 के दशक में हुजूर सत्संग के आधे घंटे बाद दर्शनों के लिए फिर से आया करते थे। जब वो स्टेज पर विराजमान हो जाते, उसी पल से सतगुरु की प्रेम में मगन संगत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगती। गर्मी का मौसम होता था और भीड़ भी बहुत थी, फिर भी हम तो कुछ अनमोल पलों के लिए उन्हें करीब से देखना चाहते थे। हम तो बस उन्हीं पलों के लिए जीते थे और किसी चीज की चाह नहीं थी। हुजूर के चोला छोड़ जाने के बाद भी कई सालों तक यही सिलसिला जारी रहा। फिर जब मौजूदा सतगुरु ने देखा कि संगत बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उन्होंने इस प्रबंध को बदल दिया। इससे जाहिर था कि वे अपनी प्यारी संगत को दर्शनों के लिए इतनी तकलीफ उठाते हुए नहीं देख पा रहे थे, तो उन्होंने वही किया जो हमेशा से करते आए हैं। उन्होंने संगत की तकलीफ को दूर कर दिया। अब बजाय इसके कि संगत उनके पास जाए, वे खुद संगत के पास आते हैं। अब शनिवार को सत्संग के तुरंत बाद सदगुरु खुली कार में बैठकर हर आत्मा की प्यास बुझाते हैं। हर ब्लॉक में हर चेहरे पर नजर डालते हैं। अपार प्रेम के इस प्रवाह को देखकर हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि प्रेमी कौन है और प्रीतम कौन है। सत शब्द मिले दृढ़ थाना जी, अब कर दो नाम दीवाना, कर दो नाम दीवाना जी, अब कर दो नाम दीवाना, कर दो नाम दीवाना।
एक दिन सुबह सत्संग के बाद मैंने लोगों को लंबी कतार में खड़े हुए देखा। शायद हजारों की तादाद में होंगे। मुझे बाद में पता चला कि वो लोग नामदान की अर्जी के लिए आए थे और इंटरव्यू का इंतजार कर रहे थे। नामदान कोई रीत या रस्म नहीं है। नामदान के वक्त शिष्य को दुनिया में रहते हुए अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को निभाते हुए परमात्मा की पहचान करने का तरीका समझाया जाता है। नामदान शिष्य की जिंदगी में एक अहम मोड़ है। नामदान मिलने के बाद हर कदम पर सद्गुरु की रहनुमाई होती है और शिष्य के रूहानी सफर की असल में शुरुआत हो जाती है। जिस दिन मुझे नामदान की बख्शीश हुई, उस दिन की याद हमेशा मेरे दिल में बनी रहेगी। जब मैं हुजूर के सामने खड़ी थी, बड़ी घबराई हुई थी। मैं जानती थी कि इस अनमोल दात के लायक मैं नहीं हूं। मुझे लगा जैसे उन्होंने सीधे मेरी आत्मा में झांका हो, और फिर उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा था। मैं निर्धारित सत्संगों के दौरान दोपहर बाद होने वाले नौजवान बच्चों के सवाल जवाब के प्रोग्राम में गई, जिसमें संगत भी शामिल हो सकती थी। वहां इतने सारे नौजवानों को देखकर मैं हैरान हो गई। कितनी खुशकिस्मती की बात है कि आज की अफरा तफरी भरी दुनिया में राह दिखाने के लिए उनके पास देहधारी सतगुरु का सहारा है। शुरू के करीब 20 मिनट तक कुछ नौजवान लड़के लड़कियों को सतगुरु की मौजूदगी में शब्द गाने का मौका दिया गया। उसके बाद उन्हें सद्गुरु से सवाल पूछने का मौका दिया गया। कुछ सवाल जवाब तो दिल को छू लेने वाले थे, कुछ हंसी मजाक से भरे थे। सद्गुरु और नौजवानों के बीच हंसी और प्यार ने एक रिश्ता कायम कर दिया। संगत का मन खिल उठा। सेवा करते हैं ते तुसी कहने निष्काम हो के करनी चाहिए है, कोई फल दी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए है। बट बाबा जी थोड़े बहुते तो डिजायर होंगे ही है बंदे दे, सारे दे होंगे। मुझे ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। इतनी संगत होने के बावजूद इन नौजवान बच्चों को सतगुरु के साथ आमने सामने बातचीत करने का अनमोल मौका मिल रहा था। अपने से पहले हुए सतगुरुओं की तरह मौजूदा सतगुरु भी वक्त की जरूरतों के मुताबिक चल रहे थे।
वो नई पीढ़ी की संगत तक पहुंचकर उसकी संभाल कर रहे थे। मौजूदा सदगुरु की संगत में आकर और उनकी नम्रता को देखकर मुझे हुजूर की याद आ गई। एक बार किसी नए जिज्ञासु ने हुजूर महाराज जी से पूछा, जब भी हम संतों या धार्मिक नेताओं के पास जाते हैं तो वे हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम उनके आगे माथा टेकें। मैंने यही एक ऐसी जगह देखी है जहां पहले गुरु शिष्यों को माथा टेकते हैं, ऐसा क्यों है? हुजूर ने जवाब दिया, मैं कुल मालिक का दास हूं और कुल मालिक हर एक के अंदर है। निर्धारित सत्संगों के दौरान हफ्ते में कुछ दिनों के लिए दोपहर में पंडाल का एक हिस्सा छोटे से सिनेमा हॉल में तब्दील कर दिया गया। जो लोग अंग्रेजी नहीं समझते थे वो भी बड़े ध्यान से उस वीडियो को देख रहे थे। मैं जानती थी कि मेरी तरह उनमें से कई लोग अपने प्यारे सतगुरु हुजूर की यादों को ताजा कर रहे थे। And thank you for the laugh. Brother, I have said so many times, I don't know whom you are thanking, because the institution belongs to every satsangi, every seeker. So we all one big family. And you can thank each one of you. You see, just one another, that's all. I'm nothing to be particularly thanked for. It belongs to every satsangi. They are the host and they are the guest. अपने व्यस्त प्रोग्राम के बावजूद सदगुरु उन जिज्ञासुओं को मुलाकात के लिए वक्त देते हैं जिनके मन में रूहानी मार्गदर्शन के लिए सच्ची लगन है। जो लोग सदगुरु के साथ निजी मुलाकात के लिए विनती करते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिस वाले पहले उनसे बातचीत करते हैं ताकि वे ये जान लें कि उनके सवाल वाजिब हैं और परमार्थ संबंधी हैं। विदेशी संगत शाम के वक्त ऑडिटोरियम में इकट्ठी होती है जहां पहले थोड़ी देर के लिए सत्संग होता है, फिर सद्गुरु के साथ सवाल जवाब का कार्यक्रम होता है। ये मीटिंग अंग्रेजी में होती है लेकिन इसका अनुवाद साथ साथ अलग अलग भाषाओं में किया जाता है। हफ्ते के आखिर में हम विदेशों में बसे भारतीयों के सवाल जवाब की मीटिंग में शामिल हुए। ये मीटिंग वाकई एक यादगार थी। सद्गुरु ने हर सत्संगी को और उनके सवालों को पूरी तवज्जो दी। उनके जवाब उम्मीद और भरोसे से भरे हुए थे। मेरा दिल शुक्राने से भर गया। मैं मन ही मन लगातार शुक्र 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 कह रही थी। तेरी मेहरदान एक दरिया वगदान जेदा नहीं कंडा आर पार कोई ना दिल तक दा ओनु हैरान होया जी बा सकदी शुक्र गुजार कोई ना तेरी मेहरदा एक दरिया वगदा जेदा नहीं कंडा आर पार कोई ना। डेरे का हर पहलू सत्संगी की आदर्श रहने की मिसाल है। डेरा सिर्फ एक कॉलोनी ही नहीं है, ये जीवन का एक अनुभव है
जीवन में संतुलन बनाए रखने की रूपरेखा है। हम डेरे के पुराने ऐतिहासिक इलाके को देखने गए जिसे सुरक्षित रखा गया है, लेकिन साथ ही कुछ नया रूप दे दिया गया है। जहां से डेरे की शुरुआत हुई थी उसी जगह पर वापस आकर मेरे अंदर हुजूर के साथ बिताए हुए कई अनमोल पलों की याद ताजा हो गई। उन दिनों में डेरे में कुछ ही इमारतें थीं। बड़े महाराज जी की कोठी के बाहर थोड़ी ही दूरी पर एक गेट हुआ करता था और सारा डेरा उस गेट के अंदर ही था। मुझे याद है कि उन दिनों ये सड़क पक्की नहीं थी, इसके ऊपर पत्थर की बजरी बिछी होती थी। उन दिनों महाराज जी पैदल ही सत्संग जाया करते थे। हम बच्चे पहले तो दर्शन के लिए महाराज जी कोठी के बाहर खड़े हो जाते, जब महाराज जी अपने साथ चल रहे लोगों से बातचीत करते हुए आगे चले जाते तो हम दौड़कर और आगे निकल जाते, फिर दौड़कर सत्संग घर जाकर या किसी और जगह खड़े होकर दोबारा दर्शन करते। और यहीं बाहर जहाँ पुरानी लाइब्रेरी हुआ करती थी वहाँ एक छोटी सी जगह थी। मुझे याद है कि मैं बचपन में वहीं बैठकर हुजूर का सत्संग सुना करता था। इसलिए आप सोच ही सकते हैं कि उन दिनों संगत 150 या 200 के करीब हुआ करती थी। इस छोटी सी जगह पर हुजूर बैठकर सत्संग फरमाया करते थे और अगर संगत ज़्यादा होती तो सत्संग बड़े सत्संग घर में होता था। पिछले 5 दशकों में मैंने डेरे में काफ़ी विकास होते हुए देखा है, लेकिन आज भी मुझे यहाँ वही प्रेम और अपनेपन का एहसास होता है जो मुझे डेरे में पहली बार आने पर हुआ था, जब यहाँ कुछ ही इमारतें हुआ करती थीं। यकीनन ये सब यहाँ के संतों की लगातार हो रही दया मेहर का ही नतीजा है। हम डेरे में उपलब्ध कई तरह की सुविधाओं को देखने गए। हमने लंगर से शुरुआत की जहां संगत को मुफ्त खाना खिलाया जाता है। बाबा जैमल सिंह जी महाराज कहा करते थे, संत जहां कहीं भी अपने रहने की जगह बनाते हैं उनको वहां संगत के लिए कोई ना कोई लंगर भी चलाना पड़ता है, क्योंकि खाने के बगैर लोगों का गुजारा नहीं हो सकता। ।1950 के दशक में जब हुजूर महाराज जी ने गुरु गद्दी संभाली तब लंगर में एक बार में 3 से 4 हजार लोगों को भोजन परोसा जा सकता था, पर संगत इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि लोगों को कभी कभी रात के भोजन के लिए अगली सुबह तक इंतजार करना पड़ता था। इसलिए हुजूर महाराज जी ने लंगर के विकास के लिए कमेटी की मीटिंग बुलवाई। आप चाहते थे कि एक बार में कम से कम 20 हजार लोगों को भोजन परोसा जा सके, ताकि 2 या 3 बार में सभी को भोजन खिलाया जा सके। लंगर की जगह बनाने के लिए आपकी राय यह थी कि गहरी खाइयों को भरकर समतल कर दिया जाए ताकि जमीन का एक बड़ा सा हिस्सा लंगर के लिए इस्तेमाल किया जा सके। यह सुनकर कमेटी ने सुझाव को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि इतने बड़े कार्य को पूरा करने में 10 से 12 साल लग जाएंगे। लेकिन हुजूर को इसकी फिक्र नहीं थी कि इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा, आपको तो सिर्फ संगत की सुविधा की चिंता थी। इस तरह हुजूर ने टोकरियों में मिट्टी उठाकर इन खाइयों को भरकर समतल करने की सेवा की घोषणा कर दी। जल्दी ही यह सेवा मिट्टी की सेवा कही जाने लगी। पहले कुछ दिनों में सेवा इतनी धीरे चल रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो इस काम को पूरा करने के लिए 10 साल भी कम पड़ेंगे, पर हुजूर महाराज जी खुद सेवा की जगह पर लगातार आने लगे और आपकी मौजूदगी ने सबको बहुत प्रेरित किया। ज्यादा से ज्यादा सेवादार बड़े उत्साह से इस सेवा के लिए आने लगे। कई बार तो ऐसा भी होता कि मिट्टी की सेवा पर करीब 10 हजार सेवादार भी हो जाते थे। कहावत है कि प्रेम पर्वत को भी हिला देता है, और ऐसा ही कुछ डेरे की मिट्टी की सेवा के दौरान हुआ। इसी प्रेम ने धीरे धीरे मिट्टी की टोकरियों से
दो साल से भी कम समय में टीलों को समतल करके खाइयों को भरकर लंगर के लिए मैदान तैयार कर दिया। एक बार मिट्टी की सेवा के दौरान हुजूर महाराज जी के साथ बैठे किसी शिष्य ने कहा कि कुछ लोग तो टोकरियों में खूब मिट्टी भरकर ला रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे भी हैं जिनकी टोकरियों में मुश्किल से दो मुट्ठी मिट्टी होगी। इनकी सेवा का क्या फायदा जब ये इतनी थोड़ी मिट्टी उठा के ला रहे हैं। हुजूर ने जवाब दिया, महत्व इस बात का नहीं है कि उन्होंने कितनी मिट्टी उठाई, बल्कि इस बात का है कि कितने प्रेम और कितनी श्रद्धा भाव से वे सेवा कर रहे हैं। इस सेवा में संगत ने अपने हाथों से एक साल में 40 से 50 लाख क्यूबिक फीट मिट्टी को हटाकर जमीन को समतल किया था। इससे ना सिर्फ लंगर के लिए बल्कि सत्संग पंडाल और दूसरी इमारतों के लिए भी जगह बन गई। सदगुरु इस काम को आसानी से पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें मंगवा सकते थे, पर वो हम सभी को सेवा का मौका देना चाहते थे। सभी ने मिलजुल कर सेवा की। सतगुरु की सेवा में हम सब एकजुट होकर एक ही परिवार की तरह हो गए। सचमुच ये एक अनोखा एहसास था। आज मैं खुद अपनी आंखों से देख रही हूं कि हुजूर की दया मेहर से कितनी तरक्की हुई है। आपने प्रेम भाव से सेवा करने की जो प्रेरणा हमें दी, ये उसी का नतीजा है। इस जमीन पर मानो हम सब अपना दिल छोड़ आए थे, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस सेवा का मौका दिया। किसी बुजुर्ग सत्संगी ने मिट्टी की सेवा की तुलना हमारे भजन सिमरन से करते हुए कहा, जिस तरह मिट्टी से भरी बेअंत टोकरियों से एक दिन गहरी खाई भरी जा सकती है, उसी तरह भजन सिमरन में बिताए हुए हर पल से हमारे मन में कुल मानले का प्यार बढ़ता जाता है, और एक दिन हमारे दिल की बंजर धरती सुंदर बागीचे में बदल जाती है और परमात्मा के रहने लायक हो जाती है। समय के साथ बढ़ती हुई संगत को भोजन खिलाने के लिए लंगर का लगातार विस्तार किया गया है। आज लंगर 48 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इसमें भोजन बनाने के लिए शेड, दफ्तर, अनाज के लिए गोदाम और भोजन करने के लिए जगह भी शामिल है। यहां साल भर हर रोज बिना कोई कीमत लिए भोजन परोसा जाता है। लंगर रात भर चलता है, बीच में थोड़ी देर के लिए बंद होता है। आज लंगर में 50,000 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं और 3,00,000 लोगों को एक वक्त का भोजन खिलाया जा सकता है। इसका मतलब है कि जब लंगर पूरी तरह से भरा होता है तो दोपहर और रात के खाने के वक्त 5,00,000 से भी ज्यादा लोगों को भोजन परोसा जाता है, जो कि एक छोटे से शहर की आबादी के बराबर है। लंगर के भोजन का आनंद लेते हुए मुझे अपने वो पुराने दिन याद आ गए जब मैं यहां आया करती थी। लंगर का अनुभव ऐसा है जिसकी याद यहां से चले जाने के बाद भी लंबे अरसे तक बनी रहती है। बड़े महाराज जी अपने सेवादारों से कहा करते थे कि संगत को खुले दिल से प्यार से खाना खिलाया करो, क्योंकि बाबा जैमल सिंह जी का भंडार अथाह है। ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवादारों ने हमारी खाली थालियों में दाल,
रोटी, चावल और सब्जी परोसती। हम जितनी बार चाहें खाना ले सकते थे। सिर्फ यही बिनती थी कि खाना जूठा ना छोड़ा जाए। जैसे ही लोग खाना खाकर उठते और अपने बर्तन साफ करते, तुरंत ही उस खाली जगह पर दूसरी संगत को बिठा दिया जाता और ये सिलसिला चलता ही रहता। ये कुल मालिक की लगातार बरस रही अपार दया की जीती जागती मिसाल थी। अगले दिन हम खाने पीने की दूसरी जगहों पर गए। मुझे याद आया कि जब सबसे पहले भोजन भंडार शुरू हुआ तो हम बच्चे कितने खुश हुए थे। हमारे बचपन के दिनों में यहाँ चाय पानी और नाश्ते के लिए सिर्फ 3 दुकानें हुआ करती थी। फिर बहुत बढ़िया भोजन भंडार खुल गया था, जहाँ सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन मिलने लगा था। आज यहाँ पर 4 भोजन भंडार, 2 स्नैक बार और 4 कैंटीन हैं, जहाँ हर कोई रियायती दाम पर भोजन खरीद सकता है। इन सभी जगहों पर कुल मिलाकर एक ही वक्त पर 2,00,000 लोग भोजन कर सकते हैं। सभी सद्गुरुओं का संगत की अकोमोडेशन की तरफ खास ध्यान रहा है। 1970 के दशक के अंत में अकोमोडेशन डिपार्टमेंट सत्संग घर के सामने हुआ करता था। इसमें सिर्फ एक लंबी मेज और कुछ कुर्सियां ही होती थीं। आज ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बन गया है और सुचारू ढंग से चल रहा है। डेरे में रहने की सुविधा मुफ्त है और यहाँ सबका स्वागत है। एकोमोडेशन डिपार्टमेंट सारा साल 24 घंटे खुला रहता है। दुनिया भर के सेंटरों से यहाँ रिहायश की अर्जी कंप्यूटर से भी भेजी जाती है। डेरे में रहने के लिए कई किस्म का इंतज़ाम है। जितनी तेज़ी से रहने का इंतज़ाम किया जा रहा था, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से संगत बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से बड़ी बड़ी सराय और शेड बनाए गए ताकि संगत को ठहरने की जगह मिल सके। सराय में 18,000 लोग ठहर सकते हैं और शेडो में 81,000 लोगों के सोने की जगह है। हर रहने की जगह पर एक प्रोविजन स्टोर और डिस्पेंसरी है। पिछले कुछ सालों में कई हॉस्टल बनाए गए हैं जिनमें 5,000 से भी ज्यादा संगत ठहर सकती है। विदेशों से आने वाली संगत हॉस्टल 6 में रहती है, जहां 600 लोग ठहर सकते हैं। उनके लिए भोजन हॉस्टल 6 की रसोई में ही तैयार किया जाता है। यहां ठहरने वाली संगत अगर सेवा करना चाहे तो बड़े शौक से इसी हॉस्टल में सेवा कर सकती है। उस शाम मेरी मुलाकात कुछ विदेशियों से हुई। मैंने उनसे पूछा कि डेरे के बारे में उनकी क्या राय है। I think as a seeker, satsangi, you never feel quite at home anywhere in the world. There's something about Dera in that way, that there's no other place in the world like that. You're around brothers and sisters that you have so much in common with. We have this same, you're well aware we have that same father, and we're in his home, if you will, at his feet. Everywhere you go, you greet everybody, Radha Swami, and instantly there's this connection that you have with them. And our connection is that love for the Master and that becoming one with the Divine. I think very wonderfully someone had asked Babaji, why is it that you allow us to come to the Dera? And he said that it is to actually see the love, to see the Sangat, to see the people, how they share and give through Seva and their quality of devotion. And by seeing that, he said, then you too, you know, can learn to live your life with that devotion.
think Babaji said once that you get what you come to Dera for. So if you come for Seva, or if you come to meet people, you will get that. If you come for love, if you come for grace, you will get that. So Dera is, you know, whatever you choose it to be. Another incident that really affected me too was, there's a couple of staircases here. You would be going behind some BBGs, some older women, and it was so hard for them to place one foot, to the next step and the next step. But with each step, you could hear them whispering, Shukriyaji, Shukriyaji, thank you, God, thank you, God. And it was just, again, that reminder of to feel grateful for everything. You know, everything we have is due to Him. And where would we be without His grace? संतों ने हमेशा इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि सेवादारों और उनके परिवार के लिए सुविधापूर्ण घर होने चाहिए। 1960 के दशक में बने हुए घरों की देखरेख मुश्किल हो गई थी, इसलिए आधुनिक सुविधाओं वाले घर बनाए जा रहे हैं, जिनमें यहां रह रहे 7,000 लोगों के लिए और बेहतर सुविधाएं दी गई हैं। हमारी जरूरत की हर चीज यहां मिल जाती है। सदगुरु न सिर्फ हमारी रूहानी जरूरत का ख्याल रखते हैं, बल्कि दुनियावी जरूरतों का भी ख्याल रखते हैं। डेरा निवासियों के लिए दर्जी, नाई, डाकघर, एटीएम सहित बैंक, फोन बूथ और बिना मुनाफे पर कपड़े की दुकान भी है। डेरे में पेट्रोल पंप और मोटर गैराज भी है, जहां सेवादार डेरे की गाड़ियों की सर्विस और मरम्मत करते हैं। ये डिपार्टमेंट संगत के लिए अलग अलग किस्म के ट्रांसपोर्ट का इंतजाम भी करता है। डेरे के अंदर शमशान घाट और अस्थियां प्रवाह करने की जगह भी है। डेरे का अपना वाटर सप्लाई का प्रबंध है। नाली नालों के पानी को स्वच्छ करने का प्लांट भी है। यहां बिजली का सब स्टेशन है और जरूरत पड़ने पर जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में बड़े सत्संग शेड की छत पर 21 एकड़ के फैलाव में सोलर पैनल लगाए गए हैं। सेवा समिति बिल्डिंग में खोया पाया सेक्शन है, उसके पास ही सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, जहां से सेवादार संगत की सुरक्षा की निगरानी करते हैं। यहाँ एक कंप्यूटराइज्ड रेलवे विभाग है, जहाँ से संगत भारत के किसी भी शहर में जाने के लिए ट्रेन की टिकटें खरीद सकती है। डेरे में फायर स्टेशन भी है, जहाँ लगभग 300 सेवादारों को आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद प्रोविजन स्टोर देखने में छोटा सा लगता है, पर आम जरूरत की सभी चीजें यहाँ मिल जाती हैं। सेंट्रल स्टोर का काम है अलग अलग विभागों की जरूरत का सामान मंगवाना, गोदाम में रखना और उसकी सप्लाई का इंतजाम करना। यहां एक परचेज डिपार्टमेंट भी है, जो डेरे के खाने पीने से लेकर बिल्डिंग मटेरियल तक की सारी चीजों की खरीदारी करता है। किताबें और ऑडियो वीडियो स्टॉल से संतमत की किताबें, सवाल जवाब की सीरीज, सत्संग की डीवीडीज और हमारे सतगुरुओं की फोटो खरीदी जा सकती है। मुझे बताया गया कि संतमत की करीब 90 किताबें अंग्रेजी में हैं और उससे भी कई ज्यादा हिंदी और पंजाबी में। हुजूर हमेशा हमें संतमत की किताबें पढ़ने की प्रेरणा देते थे। वो कहा करते थे कि इनके जरिए हम अपने भजन सिमरन की फसल के इर्द गिर्द एक बाड़ बना सकते हैं। प्रकाशन विभाग में पिछले कुछ सालों से काफी विकास हुआ है। यहां पर देश विदेश से आए सेवादार
संत मत की शिक्षा पर पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए मिलजुल कर सेवा करते हैं। विदेशों में जिज्ञासुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए संत मत की किताबें अब 44 भाषाओं में छापी जा रही हैं। शाम का वक्त मुझे लाइब्रेरी में बिताना अच्छा लगता था। 2004 में बनी ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी और मॉडर्न है। यहाँ 300 लोगों के बैठने की जगह है। मुझे याद है कि 1980 के दशक के दौरान किस तरह मैं घंटों बड़े चाव से उस पुरानी छोटी सी लाइब्रेरी में वक्त बिताया करती थी। इस लाइब्रेरी में परमार्थ, धर्म और फिलॉसफी पर हजारों किताबें मौजूद हैं। कोई भी इस विशाल रिसर्च सेंटर में रूहानियत की रिसर्च करते हुए महीनों गुजार सकता है। लाइब्रेरी में ही बुक रेस्टोरेशन सेक्शन है, जहां सेवादार पुरानी दुर्लभ किताबें, जर्नल और हस्तलिपियों की मरम्मत और संभाल का काम करते हैं। पुरानी रचनाओं की संभाल की तरफ बहुत ध्यान दिया जाता है। इसके आगे आर्काइव्स विभाग है, जहां पुराने और कीमती दस्तावेजों को संभाल कर रखा जाता है। इन दस्तावेजों को अब डिजिटाइज किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को डेरे के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती रहे। यहाँ एक रीडिंग रूम भी है, जहाँ संगत के लिए अखबार, मैगजीन्स और संत मत की किताबें उपलब्ध हैं। डेरे में बच्चों की देखभाल का भी बहुत ही अच्छा इंतजाम है। हमने शाम के वक्त बच्चों को रिक्रिएशन सेंटर में खेलते देखा। वहाँ पर कई तरह की सुविधाएं हैं। बच्चों को खेलते हुए देखकर मैं उनकी पढ़ाई के बारे में सोचने लगी। अप्रैल 2014 में यहां पाथ सीकर्स स्कूल खोला गया। यहां 18 महीने से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को ऊंचे दर्जे की शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए काबिल टीचर रखे गए हैं। डेरा और ब्यास अस्पताल के क्वार्टर्स में रहने वाले सभी बच्चे इस नए स्कूल में बिना कोई फीस दिए पढ़ सकते हैं। इस स्कूल को अगले कुछ सालों में 12वीं क्लास तक बढ़ाने की योजना है। हमने लेमन जूस ऐड करना, क्या करना है? लेमन जूस। वी हैव टू ऐड लेमन जूस। व्हाट आर यू प्लान? गुड, वेरी गुड। प्लीज हेल्प अस। वनिता, हमारी मदद करो कि ये टर्निप निकालने में, तो आप वहाँ पे हमको पुल करो। आप किसी भी पीछे नीचे खड़े हो जा। मनिंदर, हाय। अभी की मनिंदर पुल, किटी किटी पुल। व्हाट इज दिस? हाय। कार। Sports news, 13-year-old Malavat Purna becomes youngest woman to scale Everest. Thought for the day is, does God want our work or does He want our love? He wants that we should work for Him in love. मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि डेरे में ऐसा स्कूल मौजूद है। यहाँ बच्चों को ना सिर्फ आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, बल्कि उन्हें जिंदगी के जरूरी पाठ भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे दूसरे लोगों का ख्याल रखना, वातावरण की देखभाल करना,
परिवार, स्कूल और समाज में सबका आदर सत्कार करना। यहाँ पर एक अच्छे इंसान बनने पर जोर दिया जाता है। डेरे में बुजुर्ग और रिटायर हो चुके सेवादारों के लिए एक अलग हॉस्टल है। आज के दौर में अक्सर बुजुर्गों का इतना ध्यान नहीं रखा जाता, कभी कभी तो उनकी बिल्कुल परवाह नहीं की जाती, लेकिन डेरे में ऐसा नहीं है। नेचर क्योर अस्पताल की शुरुआत हुजूर महाराज जी की पत्नी श्रीमती हरजीत ग्रेवाल ने की थी। यहाँ डेरे के निवासियों को नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा दी जाती है। पिछले कुछ सालों से यहाँ और सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। अब यहाँ जिम्नेजियम भी है और योग के आसन भी सिखाए जाते हैं। मुझे याद है कि किसी वक्त डेरे का पुराना अस्पताल इसके आसपास हुआ करता था। अब ये नई और दूसरी बड़ी जगह पर बनाया गया है जो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। डेरे का ये अस्पताल 2002 में बनकर तैयार हुआ। ये 2 मंजिला इमारत है जो 32,000 स्क्वायर फुट जगह पर बनी हुई है। यहाँ डेरा निवासियों और बाहर से आई संगत का मुफ्त इलाज किया जाता है। निर्धारित सत्संगों के दौरान हर रोज करीब 4,000 मरीज इस अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं। मरीज अपनी मर्जी के मुताबिक एलोपैथिक या होम्योपैथिक इलाज करवा सकते हैं। यहां फिजियोथेरेपी और दांतों के इलाज की सुविधा भी है। अक्सर ये कहा जाता है कि प्यार से की गई देखभाल मरीज की सबसे बेहतरीन दवा है। अपने सदगुरु की सेवा में मग्न ये डॉक्टर और नर्सें हर मरीज को पूरी हमदर्दी से देखते हैं, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हैं। डेरे के सेवादार, उनके परिवार और पक्के तौर पर डेरे में रहने वाले लोगों के लिए हर साल एक हफ्ते का मेडिकल कैंप लगता है। इस कैंप में ब्यास अस्पताल और पूरे भारत से आए डॉक्टर और स्पेशलिस्ट बिना फीस दिए सेहत की पूरी जांच पड़ताल करते हैं, जैसे लेबोरेटरी के टेस्ट, ईसीजी, दांतों, आंखों और कानों की जांच, बीमारियों से बचाव की जानकारी के लिए मेडिकल सेमिनार भी होते हैं। डॉक्टरों को मरीजों की सेवा करते हुए देखकर मुझे हुजूर के उन शब्दों की याद आ गई जो उन्होंने डेरा आई कैंप के बारे में कहे थे। And we are grateful to the patients that they give us opportunity to serve them. So that makes us happy. That makes sevadar happy. 1965 से लेकर 2003 तक डेरे में हर साल 15 दिनों के लिए आई कैंप लगता था। इसमें सभी का मुफ्त ऑपरेशन और आंखों का इलाज किया जाता था, चाहे वे सत्संगी हों या ना हों। इसमें भारत और विदेश से सैकड़ों डॉक्टर और नर्सें अपने अपने काम से छुट्टी लेकर सेवा के लिए आते थे। आई कैम्प के 38 सालों के दौरान करीब 1,45,000 मरीजों की आंखों के ऑपरेशन किए गए।
जब हुजूर महाराज जी मरीजों का हाल पूछने के लिए आते तो वो पल सेवादारों और मरीजों के लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल होता था। कई बार महाराज जी मरीजों का हालचाल पूछने के लिए दिन में 2 या 3 बार चक्कर लगाते थे। उन्हें देखकर मरीज अपना सारा दुख दर्द भूल जाते। हुजूर का दिल प्रेम और दया का सागर था। मुझे एहसास हुआ कि जब हम दुख दर्द से घिरे होते हैं तो ऐसे में सतगुरु की मौजूदगी किस तरह उम्मीद की एक किरण लेकर आती है। आंखों का इलाज कराने वाले मरीजों की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि आखिरकार आई कैंप को बंद करना पड़ा। मरीजों को ब्यास अस्पताल भेजा जाने लगा जहां उनका मुफ्त इलाज किया जाता है। ब्यास का चैरिटेबल अस्पताल हुजूर महाराज चरण सिंह जी की दया भरी दूरदर्शिता का नतीजा है। वे चाहते थे कि आसपास के गांव वालों को डेरे आने की मजबूरी भी ना महसूस हो, साथ ही उन्हें मुफ्त डॉक्टरी इलाज की सुविधा भी मिल जाए। इसके लिए 1978 में डेरे से 6 किलोमीटर की दूरी पर 35 एकड़ जमीन चुनी गई। जब यह घोषणा हुई कि अस्पताल बनाने का इरादा है तो दुनिया भर से सेवादारों की तरफ से मदद के प्रस्ताव आने शुरू हो गए। हालांकि अभी इसके लिए कोई योजना या नक्शा भी नहीं बना था। आखिरकार 75% काम करने वाले सेवादार थे। उनमें से बहुत कम लोगों को निर्माण कार्य का तजर्बा था, लेकिन सबको सेवा का मौका दिया गया और ज़रूरत के मुताबिक उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई ताकि वे सतगुरु द्वारा बख्शी सेवा में हिस्सा ले सकें। सतगुरु की रहमत ने सेवादारों में जोश भर दिया और हुजूर महाराज जी के ज़रूरतमंदों के प्रति दया भाव से प्रेरणा पाकर सेवादारों ने मिलजुल कर सालों साल लगातार बड़े उत्साह से सेवा की ताकि हुजूर महाराज जी का सपना पूरा हो सके। शुरू के नक्शे से लेकर अस्पताल के पूरा बन जाने तक हुजूर महाराज जी ने खुद बड़े प्यार से हर कदम पर इस प्रोजेक्ट का मार्गदर्शन किया। वे हर रोज साइट पर जाया करते। उन्होंने इंजीनियर, आर्किटेक्ट, लैंडस्केप आर्किटेक्ट सभी को सलाह दी कि अस्पताल की इमारत सादी और सुंदर होनी चाहिए, उसके चारों तरफ बगीचे होने चाहिए ताकि इस इलाके के लोगों को यहाँ आकर आराम और सुकून महसूस हो। आज भी अस्पताल में कदम रखते ही हमें दया मेहर और शांति का एहसास होता है। महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी ब्यास, बहोटा और सिकंदरपुर में बने चैरिटेबल अस्पतालों का प्रबंध करती है। देश में हुई बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के दौरान डेरे ने अक्सर पीड़ित लोगों की मदद की और उन्हें राहत पहुंचाई। 2001 में गुजरात में आए भूचाल के बाद देश भर से आए सेवादारों ने इकट्ठे होकर यहाँ 69 गांवों में 69 स्कूल बनाए। इंजीनियर, आर्किटेक्ट, प्लम्बर और डॉक्टरों आदि ने अपना वक्त देकर सुबह से लेकर रात तक लगातार मेहनत की। निर्माण का काम मई 2001 में शुरू हुआ और मालिक की दया से 5 महीनों में पूरा हो गया। निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद किसी सेवादार से पूछा गया कि उसे यहाँ सेवा करके कैसा महसूस हुआ। उसने जवाब दिया, ये अनुभव मेरी जिंदगी बदल देने वाला अनुभव था। 2005 में जम्मू कश्मीर में आए भूचाल के बाद और 2010 में लेह में आई भारी बाढ़ के वक्त सैकड़ों सेवादारों ने मिलकर पीड़ितों के लिए बड़े बड़े शेड मुफ्त तैयार किए जहाँ ये लोग मौसम की मार से बच सकते थे। संतों ने हमेशा यही उपदेश दिया है
कि हमें बिना शर्त ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। वे कौन हैं और किस मज़हब को मानने वाले हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। संत एक जीती जागती मिसाल बनकर हमें दया भरी और भाईचारे की ज़िंदगी जीना सिखाते हैं।1980 के दशक में जब पंजाब में अशांति फैली हुई थी, तब कई बेघर हुए लोगों ने डेरे में आकर शरण ली। उस वक्त हुजूर महाराज जी ने उनके लिए कैंप का इंतजाम किया, जिसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए एक टेम्परेरी स्कूल खोल दिया गया। इसी तरह 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान डेरा रिफ्यूजियों के लिए एक सुरक्षित स्थान बना हुआ था। भारत के बंटवारे के दौरान बड़े महाराज जी ने सभी के लिए डेरे के दरवाजे खोल दिए थे, चाहे वे हिंदू हों, सिख हों, मुसलमान हों, सत्संगी हों या गैर सत्संगी हों। ब्यास स्टेशन से गुजरने वाले रिफ्यूजियों के लिए डेरे से स्टेशन पर ताज़ा भोजन भेजा जाता था। रिफ्यूजियों की तकलीफ़ों और उनके नुकसान के किस्से सुनकर बड़े महाराज जी के दिल को गहरा दुख हुआ था और उन्होंने बड़ी हमदर्दी से सबकी मदद और संभाल की। कहते हैं कि उस वक्त पहली बार किसी ने बड़े महाराज जी की आंखों में आंसू देखे। उन्होंने संगत को समझाया कि किसी को भी अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए और किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बहुत बड़ा पाप है। ये सब किस्से सुनकर और डेरे की इतनी सुविधाएं और गतिविधियां देखकर मेरे अंदर ये जानने की और इच्छा पैदा हुई कि इतने ऊंचे किस्म के अनुशासन, इंतजाम और सफाई के पीछे क्या शक्ति काम कर रही है। मिसाल के तौर पर सत्संग के बाद सिक्योरिटी सेवादार पैदल चलने वाली संगत अनगिनत बसों, गाड़ियों, स्कूटरों और साइकिलों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए जगह जगह मौजूद रहते हैं। इतनी भारी भीड़ का आसानी और बिना किसी रुकावट के चलते रहना इस बात का सबूत है कि यहाँ छोटी से छोटी बात पर पूरा ध्यान दिया जाता है। सेठी साहब के कहे कुछ लफ्जों से इन सारी बातों को सही रूप में समझना आसान हो गया। यहाँ के निर्माण कार्य में इस्तेमाल की गई हर ईंट, यहाँ के पेड़ों का हर पत्ता, घास का हर तिनका और यहाँ की मिट्टी के कण कण में से एक ही महक झलकती है और वह है प्रेम। सतगुरु का अपनी संगत के लिए प्रेम और संगत का अपने सतगुरु के लिए प्रेम। हमारी आय का आधार संगत की सेवा है, पर संगत की सेवा के हर पैसे का पूरा पूरा हिसाब रखा जाता है और इसका इस्तेमाल भी इस तरह किया जाता है कि संगत के प्यार का बीज अधिक से अधिक फलता रहे, फूलता रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेरा ब्यास के संत सतगुरु स्वयं अपनी हक हलाल की कमाई पर गुजारा करते हैं और एक आदर्श सदाचारिक और आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, और ये अपने आप में संगत के लिए और सेवादारों के लिए एक अति उत्तम उदाहरण बन के सामने आती है। यही तथ्य इस विशाल संस्था के सुचारू ढंग से चल रहे प्रबंध का आधार है। डेरे की खासियत यह है कि यहाँ का सारा कार्य सेवादार ही करते हैं। करीब 1500 स्थायी सेवादार सारा साल डेरे का इंतज़ाम संभालते हैं, लेकिन जब लाखों की तादाद में संगत आ पहुँचती है और बहुत ज़्यादा सेवादारों की ज़रूरत हो जाती है, तब एक करिश्मा होता है। डेरे में श्रद्धा भाव और प्यार की एक बड़ी लहर उमड़ पड़ती है और आसपास के गांव और प्रांतों से करीब 35,000 जत्था सेवादार पहुँच जाते हैं। किसी को भी सेवा के लिए मजबूर नहीं किया जाता,
सब अपनी मर्जी से सेवा करने आते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते। उनके अंदर सिर्फ सेवा करने की चाह होती है, चाहे सख्त गर्मी हो या सख्त सर्दी, वे खुशी खुशी घंटों सेवा करते रहते हैं। उनकी आंखों में दिखाई दे रही चमक की वजह निस्वार्थ भाव से की जाने वाली सेवा की खुशी है। हुजूर महाराज जी ने सेवा में उनकी लगन के बारे में ये फरमाया, लव मेक्स इट गो, टू वेरी फ्रैंक, बिकॉज वी डोंट हैव एनी पेड पीपल टू वर्क, neither the paid people can work with so much devotion and love, and they know what are their duties, what are their requirements supposed to do, and we just watch them, because we have only handful of sevadars in the dera, but on such occasion they all come from different directions in thousands, as you are seeing them, and they take to their own duties and wonderfully they are serving the people, looking to their requirements, their needs, and they make us feel that probably we are doing it. They don't want to even assume that they are doing it, but they do it beautifully, serving. And after the bandara will be over, they will just pack up those things, put them in the stores, and we'll just go back to their homes. जब सेवादारों से पूछा जाए कि वे सेवा क्यों करते हैं तो वे बस मुस्कुरा देते हैं। हुजूर महाराज जी अक्सर कहा करते थे, सच्ची खुशी प्यार पाने के बजाय प्यार देने में ज्यादा है, कुछ लेने के बजाय कुछ देने में है, किसी से सेवा करवाने के बजाय सेवा करने में है। जिस जोश और लगन से ये सेवादार संगत की सेवा करते हैं उसे बयान करना मुश्किल है। परमात्मा के प्यार में वे यहाँ खिंचे चले आते हैं, इससे उनके अंदर नया जोश और उमंग पैदा हो जाती है। डेरे का पूरा वातावरण उनकी प्यार से की गई सेवा के जोश से महक उठता है। हमने इस जोश को तब देखा जब हम रोड़ी सेवा करने गए। रोड़ी की सेवा पूरे साल चलती है और कोई भी ये सेवा कर सकता है। यहाँ खराब हो चुकी ईंटों से रोड़ी बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल नई इमारतों की बुनियाद रखने में किया जाता है। जवानों और बुजुर्गों को एक साथ बैठे देखकर मन को बड़ी प्रेरणा मिली, बहुत सी प्यारी यादें ताज़ा हो गई। बड़े महाराज जी ने एक बार फरमाया था, डेरे में निर्माण का कार्य हमेशा चलता रहेगा। वाकई ये कितना सच है। पूरे डेरे में लगातार कहीं ना कहीं कुछ नया बनता रहता है या फिर मरम्मत का काम चलता रहता है। मदद के लिए हर तरह के सेवादार हमेशा मिल जाते हैं, चाहे वो कुशल कारीगर हो या साधारण लेबर, भाई हो या बीवियां, वो एक साथ मिलकर इन सादी और सुंदर इमारतों का निर्माण करते हैं। डेरा आत्मनिर्भर है। निर्माण के काम की ज्यादातर सामग्री डेरे के अंदर ही तैयार की जाती है। यहां इस्तेमाल होने वाली हर ईंट डेरे के भट्टे में बनती है। डेरे में पहला ईंटों का भट्टा बाबा जैमल सिंह जी के वक्त बना था। उस समय कुआं बनाने के लिए ईंटों की जरूरत थी। उन दिनों ईंटों को भट्ठे में पकाने के लिए 6 से 8 हफ्ते लग जाते थे।
आज डेरे के भट्ठे में 50,000 ईंटें रोज तैयार की जाती हैं। ये भट्ठा पर्यावरण के नियमों के मुताबिक बनाया गया है। मकान, हॉस्टल, दफ्तर और फुटपाथों में इस्तेमाल की जाने वाली टाइलें डेरे की टाइल वर्कशॉप में तैयार की जाती हैं। इमारतों में इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी सामग्री मैकेनिकल वर्कशॉप में तैयार की जाती हैं। इसे लुक सेवा कहते हैं। करीब 1,000 सेवादार एकजुट होकर नई सड़कों को बनाने और पुरानी सड़कों की मरम्मत करने के इस चुनौती भरे काम को पूरा करते हैं। इस लुक को डेरे के हॉट वेट मिक्स प्लांट में तैयार किया जाता है। ये प्लांट एयर कंडीशन कैबिन में लगाए गए कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है। लुक की सेवा सख्त गर्मी में ही की जा सकती है जब तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, क्योंकि कड़कती धूप ही लुक को आसानी से पिघलाकर सड़क को अच्छी तरह समतल बनाने में मदद करती है। मैंने एक सेवादार से पूछा कि आप इतनी तपती गर्मी में किस तरह सेवा करते हैं। उनका जवाब था, वो मालिक हमें हिम्मत और ताकत देता है, सेवा में नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। डेरा आज करीब 1900 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। निर्माण और देखभाल के सारे कार्यों की जिम्मेदारी इंजीनियरिंग विभाग संभालता है, पर असल मायने में दूरदर्शिता तो सदगुरु की ही है। एक बार साइट विजिट के दौरान कमेटी ने सदगुरु के सामने डेरे के विकास के लिए नक्शे और योजनाएं पेश की। जब सदगुरु ने उन पर गौर किया तो उन्होंने कहा कि ये योजनाएं तो सिर्फ 10 सालों के लिए ठीक हैं, जबकि वे तो अगले 50 सालों तक संगत की जरूरतों के बारे में सोच रहे हैं। आप ही सभी नए निर्माण कार्यों के असल निर्माता और प्रेरक हैं। आपकी देखरेख में नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं और तेजी से नया निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन डेरा सिर्फ इमारतों या बुनियादी सुविधाओं तक ही सीमित नहीं है। यहाँ असली मकसद तो है अपने अंदर नम्रता और दीनता जैसे गुणों को पैदा करना। सदगुरु अक्सर समझाते हैं कि बाहरी सेवा तो अपने असली मकसद तक पहुँचने का एक जरिया है। सेवा से मन निर्मल होता है ताकि हम अपने ख्याल को दुनिया से निकाल कर अंदर शब्द से जोड़ सकें। यही हमारी असली सेवा है। डेरे में स्वच्छता और साफ सफाई को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। पूरे डेरे में हजारों शौचालय और गुसलखाने हैं। इन्हें रोजाना धोकर साफ सुथरा रखा जाता है। सारी सड़कों को झाड़ू लगाकर साफ किया जाता है। कई बार हैरानी होती है, ये सब कैसे मुमकिन है, ये सब कौन करता है, वे ये सब कब करते हैं। सुबह तड़के 3 बजे से यहां तक कि कड़ाके की सर्दी में जब तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, सफाई वाले सेवादार धुलाई सफाई करते और झाड़ू लगाते हुए दिखाई देते हैं। निर्धारित सत्संगों के दौरान 1,000 से भी ज्यादा सेवादार सफाई की सेवा में लगे होते हैं। खुशकिस्मती से हमारी मुलाकात सफाई महकमे के सेवादार इंचार्ज से हुई, जिन्होंने हमें इस महकमे के बारे में जानकारी दी। उनके हसमुख नजरिए और जोश का असर उनकी पूरी टीम में नजर आ रहा था। निकालो,
मेरे माता पिता ने नाम तो लिया है वह कहते आप डेरे जब्त कर चलिए बाबा की होगा सानू बाबा कहते बेटा डेरा कोई इटा पत्रा ने नहीं बनाया डेरे से डिसिप्लिन है कोई असूल है जे तो आप डेरे के असूलों को मानते हैं डिसिप्लिन मानते हैं जितने मर्जी रही है थले नहीं डेरा जी जे डिसिप्लिन नहीं मानते असूल नहीं मानते डेरे डेरे के भी सदा तुझे शरण बन गया जी बड़ा प्यार से पगा लो जी सेवा मिली है एक पगा वाले ने मिलती थी। उनकी सोच हम सब के लिए एक शानदार मिसाल है। उनका मानना है कि डेरा परमात्मा की तरफ से दिया गया एक तोहफा है। ये वो घर है जहां हमारे सदगुरु रहते हैं। फिर भला कौन इसे साफ सुथरा नहीं रखना चाहेगा। इन सेवादारों ने मुझे ये सिखाया कि जिस तरह डेरे की सफाई रोज प्रेम प्यार से की जाती है, उसी तरह मन की सफाई का सबसे जरूरी काम भजन सिमरन भी हर रोज हर हालत में करना चाहिए। यहां पर्यावरण का खास ध्यान रखा जाता है, इसलिए कुछ भी जाया नहीं जाने दिया जाता। कूड़ा करकट छांटने के लिए कई तरह का इंतजाम किया गया है। सेवादार लगातार चक्कर लगाकर कूड़ा इकट्ठा करते रहते हैं, जिसे छांटकर दोबारा इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जाता है। लंगर और फल सब्जियों के स्टॉल से निकले कचरे को खाद में तब्दील कर दिया जाता है। डेरे में सूरज के कचरे को खाद में बदलने के लिए पाइपों के जरिए ऑक्सीडाइज्ड पॉन्ड में भेजा जाता है। कैन, कांच का सामान, प्लास्टिक और अखबार वगैरह जो सड़नशील नहीं हैं, उन्हें स्क्रैप डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। यहाँ पर या तो ये सामान बेच दिया जाता है या रिसाइकल करके इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर दूध के खाली डब्बों का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता है। ये नर्सरी है, यहाँ फूल, बेल बूटे और पेड़ उगाए जाते हैं। इन पौधों को न सिर्फ डेरे के अंदर बल्कि डेरे के गेट से बाहर भी लगाया जाता है। साल भर जत्था सेवादार डेरे की खूबसूरती को बरकरार रखने और निखारने की सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। डेरे की 60% जमीन पर हरियाली है। ये हरे भरे मैदान इतने दिलकश हैं कि अक्सर हमें कई परिवार यहाँ की ठंडी हरी भरी घास पर आराम करते हुए दिखाई देते हैं। कुदरत की ये रंग बिरंगी खूबसूरती हर वक्त हमें मालिक की रची कायनात की याद दिलाती है। फूलों की खूबसूरती देखकर हाल ही में मौजूदा सदगुरु ने जो फरमाया वो मुझे याद आ गया। उन्होंने बताया कि कैसे हुजूर को गुलाब के फूल बेहद पसंद थे और फिर उन्होंने कहा कि हम सब उनके गुलाब के फूल हैं और उन्हें हमारी देखभाल के लिए इस बागीचे के मालिक की सेवा बख्शी गई है। डेरे की करीब 1100 एकड़ जमीन पर खेती बाड़ी की जाती है और यहाँ फल और सब्जियां उगाने के लिए ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। नाली, नालों और नहाने में इस्तेमाल हुए पानी को स्वच्छ करके खेती की सिंचाई की जाती है। बरसात का पानी भी कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। निर्धारित सत्संगों के दौरान 7000 से भी ज्यादा जत्था सेवादार यहां आकर खेतों में सेवा करते हैं। खेतों में पैदा होने वाले फल और सब्जियां या तो लंगर और भोजन भंडारों में भेजे जाते हैं या फिर इन्हें फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टॉल पर भेजा जाता है, जहां से डेरे के निवासी इन्हें खरीद सकते हैं। सेवा समिति महकमा कई दूसरी सेवाओं के साथ साथ खेती बाड़ी और उपज का भी प्रबंध करता है। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भोजन बनाने वाली अलग अलग रसोइयों में कितना ज्यादा काम होता है।
पर सबसे ज्यादा हैरानी ये देखकर हुई कि लंगर चलाने में कितनी ज्यादा सेवा की जरूरत है। हुजूर महाराज जी हमें बताया करते थे कि लंगर चलाने का खास मकसद ये भी है कि सेवादारों को दूसरों की सेवा करने का मौका मिलता है, जिससे आपस में प्यार और भाईचारा बढ़ता है। संतों के लंगर में अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाता। जिन निर्धारित सत्संगों के दौरान संगत बहुत ज़्यादा होती है, उन दिनों करीब 15,000 सेवादार लंगर में सेवा करते हैं। लंगर के रसोई घर में 30 से भी ज़्यादा बड़े बड़े बर्तन हैं, जिनमें दाल, सब्जियां और चावल पकाए जाते हैं। हर कड़ाहे में 2,000 लीटर तक दाल बनाई जा सकती है। सेवादार हर 3 घंटे में करीब 3,60,000 लोगों के खाने के लिए दाल बनाते हैं। यहाँ चाय बनाने के लिए 4 बड़े बड़े कंटेनर हैं। हर कंटेनर में 1 घंटे में 1,120 लीटर चाय बनाई जा सकती है। जब चाय तैयार हो जाती है तो इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील पाइपों के जरिए चाय अपने आप अलग अलग जगहों पर पहुंच जाती है। जिस वक्त चाय की लागत सबसे ज़्यादा होती है तो लंगर में एक दिन में करीब 80,000 लीटर चाय बनती है, यानी 3,50,000 चाय की प्यालियों के बराबर। डेरे की जरूरतों को देखते हुए यहां ऑटोमेटिक मशीनें लगाई गई हैं। गेहूं को 2 साइलोज में रखा जाता है। हर साइलो में 2,000 मीट्रिक टन अनाज रखा जा सकता है। जब आटे की जरूरत होती है तो गेहूं को कन्वेयर सिस्टम के जरिए आटा चक्की तक पहुंचाया जाता है, जहां इसे साफ करके पीसा और छाना जाता है। इसके बाद आटे को गूंधने के लिए कन्वेयर सिस्टम के जरिए गूंधने वाली मशीनों तक पहुंचाया जाता है। गूंधा हुआ आटा पेड़ा बनाने वाली मशीन में डाला जाता है, जो 1 घंटे में 10,000 से 12,000 तक पेड़े तैयार कर देती है। फिर पेड़ों की रोटियां बेलने के लिए इन्हें सेवादारों तक पहुंचाया जाता है। रोटियां बनाने के लिए जंगली घास, सूखे पत्तों और टहनियों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में इस काम के लिए थर्मल फ्लूइड हीटिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा, क्योंकि डेरे की दूसरी खाने पीने की जगहों पर यह सिस्टम बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। डेरे में जिन महीनों में संगत सबसे ज्यादा होती है, तब करीब 4,000 सेवादार रोटियां बनाते हैं। वे सवेरे 2 बजे से संगत के लिए नाश्ते की तैयारी शुरू कर देते हैं। वे एक वक्त के भोजन के लिए 10,00,000 तक रोटियां बनाते हैं। जब रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं तो हर रोटी पर घी चुपड़ा जाता है। इसके बाद इन्हें एक कमरे में ढेरियां बनाकर रख दिया जाता है, जहां से संगत को परोसने के लिए आसानी से उन्हें बांटा जा सकता है। लंगर में सेवा का माहौल कुछ ऐसा होता है जो देखने और अनुभव करने योग्य है। सारे माहौल में श्रद्धा भाव से शब्द गाने की आवाज गूंज रही होती है और सेवा दिन रात लगातार चलती रहती है। एक बार सवाल जवाब के मौके पर हुजूर महाराज जी ने लंगर के सेवादारों की श्रद्धा भाव के बारे में फरमाया। यू मस्ट हैव विटनेस्ड सो मेनी लेडीज कुकिंग, यू सी हाउ मच दे कुक जस्ट बाय द साइड ऑफ द फायर। इन विंटर इट इज ऑल राइट, इमेजिन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई व्हेन इट इज सो ह्यूमिड एंड हॉट, यू कांट सी द फायर, यू कांट सिट नियर इट, and yet they cook even more than what we have witnessed now, and yet they are so happy, so contented, the spirit to serve, the sangat is always there with them.
It's all Babaji's grace, you see. उन्नीस सौ नब्बे के दशक में एक बार दोपहर के वक्त लंगर में पड़ी सूखी लकड़ियों के ढेर को आग लग गई, जिससे इमरजेंसी का सायरन बज उठा। आग की लपटें तेजी से फैल गईं और चारों तरफ काले धुएं के बादल छा गए। जब आग लगी तो संगत उस वक्त खाना खा रही थी। कई लोग पानी की बाल्टियां भरकर आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तेजी से पहुंच गईं। इस अफरा तफरी के बीच संगत को आग के पास घास के ढेर के ऊपर बाबा जी खड़े दिखाई दिए। आप आग बुझाने में लगी संगत और फायर ब्रिगेड वालों को हिदायतें दे रहे थे। बाबा जी करीब 3 घंटे तक वहीं खड़े रहे, जब तक कि आग पूरी तरह से बुझ नहीं गई और उन्हें ये यकीन नहीं हो गया कि सारी संगत सुरक्षित है। मालिक की दया से किसी को कोई चोट नहीं आई। सतगुरु प्यार और दया का सागर होते हैं। एक मौके पर तो आपने यहां तक कह दिया, आपको शायद मुझ जैसा गुरु मिल जाए, लेकिन मुझे शायद आप जैसे सेवादार नहीं मिलेंगे। हम तो शुक्रिया अदा करने के लिए हाथ जोड़कर सिर्फ अपना सर झुका सकते हैं। कोई लियाकत न होने के बावजूद हमें ऐसे सतगुरु मिले हैं जो हर कदम पर रूहानी सफर में हमारी रहनुमाई करते हैं और जिंदगी के असली मकसद को पाने के लिए ताकत देते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। हम वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। साजन कट सोया अत अमृत प्रिया गुड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनरा। सतगुरु की प्यार भरी अनमोल दया दृष्टि ही सेवादारों को सेवा में जुटे रहने की ताकत देती है। उन्हें हमेशा इस पल की ख्वाहिश रहती है। एक बार किसी बीबी ने हुजूर महाराज जी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसे अपने साथ लंगर दर्शन की इजाज़त दे दी। उसने कहा कि सेवादारों और सतगुरु के बीच उमड़ रहे प्रेम का उसके मन पर बहुत गहरा असर हुआ। हुजूर महाराज जी ने प्यार से कहा, इस प्यार भरे नज़ारे को देखना आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए एक खास एहसास है। और फिर उन्होंने फरमाया, ये प्यार सेवादारों के दिल से उमड़ता है, सतगुरु इसी प्यार के लिए जीते हैं। एक दिन रात के खाने के बाद हम सैर करने निकल गए। हम देखकर हैरान रह गए
कि इतने सारे लोग घास के मैदानों में सोए हुए थे। हमें बताया गया कि बेशक डेरे में बहुत सी रिहायशी इमारतें बन गई हैं और भी इमारतें लगातार बनाई जा रही हैं, फिर भी निर्धारित सत्संगों के दौरान इतनी भारी संगत के लिए ये रिहायश कम पड़ती जाती है, लेकिन किसी को वापस नहीं मोड़ा जाता और ना ही और ज्यादा आ रही संगत को किसी हालत में डेरे आने से रोका जाता है। जहां भी सोने के लिए जगह मिल जाए उसी में वो खुश रहते हैं और कभी शिकायत नहीं करते। मुझे कुछ ऐसी अभ्यासी रूहों से ईर्ष्या हो रही थी जो शायद पूरा दिन सेवा या सफर करने के बावजूद चादर लपेटकर भजन सिमरन में बैठी थी। सतगुरु अक्सर कहते हैं कि जब वे उन आज्ञाकारी शिष्यों को इतने शोरगुल के बावजूद भजन में बैठे हुए देखते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि वे ही असली शिष्य हैं, असली सेवादार हैं और वे ही असल मायने में सबसे ऊंची सेवा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सतगुरु ही डेरे के जान प्राण हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि जब सतगुरु यहां नहीं होते तो डेरा कैसा लगता होगा। नवंबर 2013 में सतगुरु अपने इलाज के लिए कई महीने के लिए डेरे से चले गए। यह सूचना दी गई कि फरवरी 2014 तक ब्यास और भारत में सभी निर्धारित सत्संग रद्द कर दिए गए हैं। ये चौंका देने वाली खबर थी क्योंकि मौजूदा सतगुरु के कार्यकाल में सत्संगों को कभी रद्द नहीं किया गया था। अक्सर दिसंबर के महीने में डेरे में बहुत चहल पहल, जोश और खुशी का माहौल होता है, लेकिन उस साल डेरे में सूनापन और उदासी छाई हुई थी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो डेरे के जान प्राण यहां से चले गए हैं, पर हमने उनकी रजा को स्वीकार किया। हमने अपनी सेवा, सत्संग और भजन सिमरन को उनके हुक्म के मुताबिक बरकरार रखा, इन्हें पहले से भी ज्यादा प्यार और श्रद्धा से निभाया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हालांकि हमारे अंदर उनके दर्शन की प्यास बढ़ती गई, पर हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, वे यहां ना होने के बावजूद यहीं हैं, वे हमारे साथ हैं, हमारी तड़प में, हमारी यादों में। हुजूर महाराज जी ने जुदाई की अहमियत को इस तरह बयान किया है। Somebody asked Meera, Meera was in love with her guru. He says, why don't you forget him? You are so miserable and so unhappy in separation. He says, don't take this love from me. Take anything from me, but don't take my love for my guru. I appreciate this separation than giving it up. There's a prayer in that love, and at no cost the lover will like to be out of that pain of separation. Christ said, blessed are those who mourn, for they shall get comfort. He said they are blessed ones who are yearning for him, who are in love with him, who being separated and day and night, you see, are being consumed in his love. They are the blessed ones. No union is complete without a separation.
آخر جب سدگرو ڈیرے واپس آئے تو سنگت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب نے سکھ کی سانس لی اور ہم اکیلے پن کے ان دنوں کو بھول گئے۔ ڈیرے میں ان کی غیر حاضری میں بھی ہمیں ان کی دیا مہر کا احساس ہو رہا تھا، اور اب ان کی موجودگی نے ہمیں دھنیہ کر دیا۔ اب تو ہے جان نہ دیو رام پیارے، بہت دنن کے بچھڑے ہار پائے، آگے بڑے کار بیٹھے آئے، اب تو ہے جان نہ دیو رام پیا۔ ڈیرا بابا جیمل سنگھ ایک ایسی انوکھی جگہ ہے جہاں ہمیں دیہدھاری سدگرو کی موجودگی میں اپنے سچے آتمک سوروپ کی تلاش کا انمول موقع ملتا ہے۔ یہاں اتنی سہولتیں دی جاتی ہیں اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمیں بھجن سمرن میں مدد مل سکے۔ یہاں رہتے ہوئے اپنا شکریہ ادا کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنا بھجن سمرن کریں، اپنی آتما کے سیوک بنیں۔ اگر یہ اونچی سچی سیوا نہیں کرتے تو سمجھو کہ ہماری زندگی میں ڈیرا اور ستگرو کا جو مقصد ہے اس کے مول کو ہی ہم کھو دیتے ہیں۔ سنت پرماتما کے نشکام سیوک ہوتے ہیں، اپنے اپار پریم اور نمرتا سے وہ ہمیں جنم مرن کے چکر سے آزاد کروانے کے لیے اپنا سب کچھ ارپن کر دیتے ہیں۔ جس روپ میں ڈیرا آج دکھائی دے رہا ہے یہ سب ستگرو کی رہنمائی اور پرماتما کی اپار دیا کا نتیجہ ہے۔ اسی وجہ سے سنتوں کی پرمپرا چلتی آ رہی ہے۔ داس تہاروں تاری جاتی خجاتی پربھو جی، مو پر کرپا میں اپنے اندر اس شکتی کی بہت شکر گزار تھی جس نے مجھے اس خاص جگہ پر آنے کے لیے مجبور کیا تاکہ میں ستگرو کی سنگتی میں کچھ وقت بتا سکوں۔ میں یہاں خالی پن کا احساس لے کر آئی تھی، لیکن اب ایک نیا جوش لے کر واپس جا رہی تھی۔ اب میں اپنا بھجن سمرن اور بھی لگن کے ساتھ کروں گی اور نامدان کے وقت حضور کے ساتھ کیے وعدے کو پورا کروں گی۔ میری صرف ایک ہی بنتی تھی، جب میں اپنی دنیاوی زندگی میں واپس جاؤں تو مالک کی موجودگی کا جو احساس مجھے یہاں رہ کر ہوا وہ قائم رہے۔ جیسے ہی بس ڈیرے کے گیٹ کے باہر نکلی میں بے حد اداس ہو گئی، لیکن تبھی مجھے حضور کے کہے یہ لفظ یاد آ گئے۔ Why leave the ڈیرا؟ Why not take it with you؟ You built your own ڈیرا within yourself and keep it with you always. ڈیرا is not made of brick and mortar. It is the love and devotion by which we are affected, and that you develop within your own self. Tu hi ho hai main na
वही वे सजना तू ही ओ है मैं नाही तू ही ओ है मैं नाही वे सजना तू ही ओ है मैं नाही बुल्ला शो कर आया मेरे जिंदड़ी कोल कुमाई बुल्ला शो कर आया मेरे जिंदड़ी कोल कुमाई जिंदड़ी कोल कुमाई वे सजना तू ही ओ है मैं नाही तू ही ओ है मैं नाही वे सजना तू ही ओ है मैं नाही तू ही ओ है मैं नाही वे सजना तू ही ओ है मैं नाही तू ही ओ है मैं नाही वे सजना